जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। शनिवार का दिन है, आज स्कूलों की छुट्टी है क्योंकि बरसात हुई और बहुत भारी बरसात हुई। और जिन मुश्किल हालातों में हमारे जो बच्चे हैं 117 108 के पूर्व कर्मी, उन्हें तोड़ने की कोशिश करी जा रही है। जैसा कि मैं आपको बता भी रही हूँ बार बार, मामला कोर्ट में है, इसलिए ये जोर शोर से कोशिश इसमें भी करी जा रही है कि इनको कैसे तोड़ा जाए। आज चाहती हूँ कि गांव-गांव में इनकी आवाज़ पहुँचे, इसलिए अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। और आज मैं आपनू उत्तराखंड आपनू पीड़ा, ये टाइटल इसलिए दिया है ताकि आप लोग इनकी पीड़ा को समझ सके, किन किन क्षेत्रों से आते हैं, क्या सुंदर उत्तराखंड है मेरा, कितनी भाषाएं हैं, कितनी एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना चेंज है, वो भी आप देखिएगा। चलिए बात करते हैं अपने साथियों से, ये है असली उत्तराखंड जिन्होंने दी है अपनी सेवा उत्तराखंड को। और आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले जिमलोकी जी, आप बताइए कि आप लोगों के साथ इतना इतना कुछ हो गया, आप कुछ कहेंगे? मैं चाहती हूँ कि गांव-गांव में आपकी आवाज़ पहुँचे, बताइए। हम पिछला 11 सालों बिटिन उत्तराखंड राज्य में जो एम्बुलेंस सेवा से चलनी 108 आपातकालीन और जन्म का बाद जो माँ और बचत है घर छोड़ दी थी, कुछों की सवारी सेवा ती सेवा माँ काम करने वाला कर्मचारी था। हम लोग उन 11 वर्षों तक ये प्रदेश का सुदूरवर्ती, चाहे नीति हो, पिथौरागढ़ हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो, हम उन अपनी सेवा दीनी रात दिन एक करी तय, हम उन ये प्रदेश की जनता तय अपनी सेवा दीनी ते को जो हम तय लाभ दीनी उत्तराखंड सरकार हम लोग तय, जो हम लोग 700 से ज़्यादा कर्मचारी 2008 बिटिन 2019 तक उत्तराखंड राज्य की एम्बुलेंसों में काम छाखाना तो तय बेरोजगार करी दीनी। उत्तराखंड सरकार जो पहली अपना साथ में एक निजी कंपनी जो हैदराबाद की 6 GB के ये MRI तीका दगड़ा में धौरी तक जो काम करी, हम लोग तई में कर्मचारी था, जैसे कि PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाम दियनी। तक बाद वर्तमान समय में दिसंबर 2018 में उत्तराखंड सरकार ने टेंडर प्रक्रिया करी और जनवरी में जो गाड़ी एम्बुलेंस चलन दी थे C108 आपातकालीन सेवा को काम भोपाल का एक NGO तय दीनी, भारी NGO तय जब काम दीनी तो तेन जो उत्तराखंड का स्थानीय निवासी था, युवा बेरोजगार था, तो का प्रति जो ते की सहानुभूति ओण थे वो सहानुभूति तेन प्रकट नहीं करी। और जी सभी कर्मचारी जो पुराना कर्मचारी था, प्रशिक्षित था, जो ये प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ था, तू तक कोई भी रियायत नहीं देनी कि वर्तमान समय में भी इसी कर्मचारी 108 आपातकालीन सेवा में काम करूँ। हम लोग जब बेरोजगार होने की कगार पर था तो हम लोगों ने फरियाद उत्तराखंड की वर्तमान सरकार में भी करी, लगभग हम लोगों ने कोई भी मंत्री विधायक या अधिकारी नहीं छोड़ी, चाहे सचिवालय में हो, चाहे जिला देहरादून का हो, जो मुँह हम अपनी पीड़ा नहीं बताई हो। हम लोगों की पीड़ा छे रोजगार की, क्योंकि के भी युवा तय जो सबसे बड़ो दर्द भरो जो ते जीवन यापन को जो अगर रोजगार नहीं बोलो तो अपन जीवन यापन उचित नहीं कर सकते। हम दगड़ी कई हमारा बड़ा भैलो ज्ञान छा जो कि उम्र सीमा 42 का पार होगी, जो अब सरकारी सेवाओं में भी आवेदन नहीं कर सकदन, तू का विषय में भी वर्तमान उत्तराखंड सरकार ने सोची, जो दुर्भाग्य छे हमार। अब हम लोगों की जो आर्थिक समस्या छो, हमारा जो बच्चा छिन, जो परिवार छी, हम उनको जीवन यापन उचित ढंग से नहीं कर सकना, क्योंकि जब पैसा ही नहीं आलो तो हम उनको उचित जीवन यापन कन के करोला, यो सबसे बड़ो सोचनों को हमारो जो हम लोग सोचना चाह जो हमारा सोचने जो हम लोग अब वर्तमान समय में जो हमारी परिस्थिति छिन वो आर्थिक रूप से पूरी टूट गई। साथ ही हम लोग 30 अप्रैल बजे धरना पर बैठा था और 8 मई बजे हम लोगों ने क्रमिक अनशन शुरू करी, तेका बाद भी उत्तराखंड सरकार को दिल नहीं पसी जी, ये मैं बैठा जो नीति नियंता था, जो उच्च अधिकारी था, मंत्री था, उनको दिल नहीं पसी जी, उन हमारे प्रति कोई भी सहानुभूति अभी तक नहीं जताई। और हम लोगों को जो बहुत बड़ी हमारी कोई मांग नहीं छे,
हम लोग उन सिर्फ ये मांग उत्तराखंड सरकार से करी छे कि भाई हम लोग जो पिछला 11 साल में उत्तराखंड राज्य की एम्बुलेंस सेवा में काम छा करना, हम लोगों तो एक बार पुनः ती सेवा में काम करने को अवसर दिया जो, जैसे कि हम लोगों का रोजगार तो हम लोगों तक मिलो ही मिलो लो, हमारा अनुभव को लाभ उत्तराखंड की जनता तभी मिलो लो, और जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवा छिन सी बेहतर होली हमारा अनुभव का आधार पर। अभी कुछ दिन पहले मैं सोशल मीडिया फेसबुक पर एक पोस्ट छो पढ़ लूँ तो तेमा बड़ो दुर्भाग्य चाहिए हम लोगों कि हम लोग ट्रेंड होने का बाद भेर कर दीना, और अब उत्तराखंड सरकार विचार चिकनी कि जो हम लोगों तक ट्रेनिंग दीनी छे रोजगार का समय ALS और BLS, जो ट्रेनिंग एम्बुलेंस में बैठने वाला हर कर्मचारी तय आवश्यक होंगी, जो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की और NHM नेशनल हेल्थ मिशन की जो गाइडलाइन होंगी उनका अनुसार एम्बुलेंस सेवा चल दिन, उनका अनुसार जो प्रशिक्षित कर्मचारी होंगन वी एम्बुलेंस सेवा में वोट चैन छा। लेकिन उत्तराखंड सरकार को जब NGO पर हाथ हो तो उन जो भी नियुक्ति करें वो टोटल अप्रशिक्षित कर्मचारी, कोई भी एम्बुलेंस सेवा होंगी तो वी पर फार्मासिस्ट ही नियुक्त नहीं किए जन, ड्राइवर ही नियुक्त नहीं किए जन, वे पर जो फार्मासिस्ट वन तेता 300 घंटा की अतिरिक्त ट्रेनिंग दिए दी, तेक बाद 100 EMT बढ़ इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन बढ़ ते पर जो ड्राइवर वन सो सिर्फ ड्राइविंग में ही प्रशिक्षित नहीं बंद, सो एम्बुलेंस माँ तुए ते बार बार सहयोग कन पड़ अपना EM2 को तो ते का फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दिए दी ची, जैसे कि सो समय समय पर जब गंभीर कोई दिक्कत है जो, लेकिन ये पहाड़ी प्रदेश छो अनेक विषम परिस्थितियाँ ये प्रदेश में आने रहन, अनेक आपदाएँ होने, एक्सीडेंट होने, आपदाएँ प्राकृतिक भी होने मानव जनित भी होने, तो वो आपदाओं का समय में आपातकालीन सेवा का जो ये द्वि कर्मचारी बनन तब तक जब तक वो लोग ते भी रोगित है घर बिटिन हॉस्पिटल तक नहीं पहुँचन वो पूर्व प्राथमिक उपचार दियोन छा। आज वर्तमान समय में बनवल बात नहीं ची, ये प्रदेश का जितना भी स्वास्थ्य विभाग का जो अस्पताल छिन से तमाम रेफर सेंटर बनया छिन, रेफर सेंटर को मुख्य कारण छी वो अस्पतालों में सुविधाएं नाम मात्र की छिन, डॉक्टर तो भेज लिन लेकिन टेक्नीशियन नहीं भेजा, अगर टेक्नीशियन ते अस्पताल में नहीं बोलो तो बिना जांच को डॉक्टर कन के दवाई दियो, यो सोचन वो एक प्रश्न छो, अगर फार्मासिस्ट छो लेकिन दवाई उपलब्ध नहीं बोलते तो इन दवाई का खेद तो, यही प्रकार की अनेक समस्याएं छिन जो हम लोग बार बार उत्तराखंड सरकार का सामने धनो एक प्रयास करना था, और उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करना था कि हमारो जो अनुभव ची वे को लाभ उत्तराखंड सरकार लो, और हम लोगों पिछला 11 वर्षों तक उत्तराखंड सरकार की एम्बुलेंस सेवा में जो काम करी एक बार पुनः हम लोगों तक काम करने को अवसर प्रदान किए जो, यही बात लेकर हम लोग पिछला 90 दिनों में 3 महीना हम लोगों तक होने वाला छिन धरना प्रदर्शन करना चाह, किंतु दुर्भाग्य ची हमारो कि युवाओं की बात सुनना तो आज भी उत्तराखंड सरकार तैयार नहीं है, उत्तराखंड सरकार तैयार नहीं है सुनने के लिए, और आपने जो बातें कही सचमुच में आपने जो ट्रेंड और अनट्रेंड वाली बात कही है जिमरोकी जी, ये बात तो लोगों को समझने की आवश्यकता है। दिवाकर भट्ट जी आप मुझे बताइए कि क्या ये बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि आज सरकार जो है आपकी बात केवल सुन नहीं रही, ये तो अलग चीज है, मगर आप लोगों को तोड़ने की भी कोशिश करी जा रही है, इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या दुख है, क्या ये नहीं लगता कि हम कैसे प्रदेश में पैदा हो गए कि हमारी सरकार ही हमारे को तोड़ रही है, हम लोकतांत्रिक तरीके से दूसरे प्रदेशों की तरह नहीं अच्छे तरीकों से बात कर रहे हैं परंतु ये तोड़ रहे हैं हमें, हमारे साथ इतना अन्याय, घोर अन्याय कर रहे हैं, क्या क्या कहेंगे? बिल्कुल मैम, यू आज आज हमारा धरने को 89 दिन होगी, 3 महीना पूरा भोल हो जान हमारा धरने, 81 दिन हमारा आज कर्मी का अंत होगी, और बड़ी विडम्बना छे कि मात्र हमारी जो 11 साल की सेवा थी तीन सेवा बहाली का खातिर हम लोग 3 महीना बिटिनियक में बैठे, और कोई देहरादून का नहीं, हम पूरा उत्तराखंड का 13 जनपदों का लोग छन, हम दगड़े हमारी बहन ही जो अपने घर परिवार छोड़ी का आया, हमारा भाई है ना छू जो बच्चों का एडमिशन नहीं होने लगे, मतलब ये स्थिति होगी सरकार की तरफ, मतलब हमें आर्थिक रूप से भी पूरी तोड़ी ली, हमारी अप्रैल महीने को जो वेतन थे वो वेतन अभी तक नहीं मिली, जो हमारी ग्रेजुटी थे जो हमारी सेवा थे 11 साल की थी जो ग्रेजुटी बनती थे तो भुगतान अभी तक नहीं करी, तो आर्थिक रूप से भी हमें तोड़ने का प्रयास करी, शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी पूरी तरीके से हमें तोड़ने का प्रयास करी,
हम पर लाठी डंडा जो कुछ बरसे सकता था वो उत्तराखंड सरकार का द्वारा होगी। बड़ी विडंबना है कि 700 परिवार सड़कों पर आया है मात्र अपनी सेवा यथावत रखने का खातिर, जो न्यूनतम वेतन पर हम लोग काम करता था तय खातिर इतना संघर्ष करना, और उत्तराखंड का 57 सत्ताधारी विधायकों मगन एक विधायक की भी हिम्मत इतना नहीं हुए कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं बोल दे दूँ, क्योंकि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी तक आवाज़ पहुँच होने लगी, तो शायद कोई 57 विधायकों मगन कई विधायक में इतना हैसियत होंगी, कोई इतना जमीनी नेता होंदू तो आवाज़ नहीं तक तलक पहुँचोंदू, क्योंकि असल में जो उत्तराखंड की परिस्थिति आजकल दिखाने लगी वो ये दिखाने लगी कि नेताओं से नहीं बल्कि प्रदेश अधिकारियों से जाऊँ लगे, और ये अधिकारी थे दूसरा प्रदेशों का अधिकारी उत्तराखंड की खातिर नीति बनाने लगे। जो लोगों 11 साल तक संघर्ष करी, धूप बरसात बरखा पानी आपदा सभी कंडीशनों में मौजूद सभी परिस्थितियों में उत्तराखंड की जनता ने अपनी सेवा पहुंचाई, क्योंकि कोई यानी दुर्घटना नहीं हुए, हर जगह मुस्तैद रहे, तैका बाद तो लोगों थे धरना पर बैठाने मजबूर कर ली, खेतों की सेवा समाप्त कर ली, आज ये ना लोगों को हाथ में सेवा सौंपे ली कि जो मेरा साथी बड़ा भाई विपिन भाई ने बताई कि जो तो मानो को भी पूरा नहीं करता, तो ये नहीं कि मजबूरी सरकार का सामने ये चीज़ जनता ही सोचनी पड़ेगी। ये लड़ाई आज 700 लोगों की लड़ाई नहीं, हम तो चल जाओला हमें रोजगार दूसरी जगह मिल जाओ, क्योंकि हम तो 12-15-18 हज़ार कमाने वाला थे, हम दूसरी जगह भी कमाई देला, पर जो परिस्थिति आज हम दगड़ी हुए ये परिस्थिति निश्चित रूप से मैं दावा के साथ बोल दूँ ये परिस्थिति आने वाला समय पर सब दगड़ी बन, चाहे जथे अभी आउटसोर्स का कर्मचारी जो संविदा का कर्मचारी अभी आज ही मैं एक सूचना मिली कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज बिटन भी कुछ लोग निकालने की तैयारी थी, ये मैंने कहा लास्ट तक तो निष्कासन तय है, तो सरकार अपना चाहे था ठेकेदारों को फायदा पहुँचाने की खातिर रणनीति अपनाने लगी, और शायद ये तर्क से सरकार को कि जो हमारा आंदोलन है लगातार तोड़ने की कोशिश करने लगे, 3 महीना बैठे हम यहाँ बैठे हैं, यानी क्योंकि सरकार तय लगनों क्यों आंदोलन सफल होगी तो शायद तो लोगों को भी लड़ना का हुए जा लो, और मैं उत्तराखंड का जनता थे एक बात बताना चाहूँ कि हमारो आंदोलन असफल हो तो ये समझ लें कि हम तो हारी पर उत्तराखंड का तमाम युवा हार जाला, जो युवा ठेकेदारों का निष्काम कर लगे, जो ठेकेदार शोषण कर लगे, जो आउटसोर्स का चाहे कई भी माध्यम से लगे छे, तो की हार निश्चित रूप से होना, और ये हमारी हार नहीं है उत्तराखंड का तो शहीदों की आत्मा थे भी बहुत दुख होने कि जो ये उत्तराखंड का खातिर अपनी 42-47 दिन थे अपना प्राण दिन थे, क्योंकि तो ये उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं करी थी। आज भाषणबाजी बहुत होंगी, बड़ा बड़ा बुद्धिजीवी लोग भाषणबाजी करता, आज तक ही बुद्धिजीवी लोग 700 परिवार जो चाहिए रोड में लगे, मैं तो आपको आभार कर दूं कि आप लगातार हमारा ये संघर्ष, आपने धमकी भी मिली वैके बाद भी आप हमारा संघर्ष में हमारा साथ में छे, तो हमारी आत्मा भी भीतर बैठी बोलने लगी, क्योंकि हम 700 परिवार हम संघर्ष करने वाला थे, हम कोई फिर की रोटी नहीं खाना था। माननीय मुख्यमंत्री जी आप यही प्रदेशक छे, 57 विधायक भी यही प्रदेशक छे, माननीय जो 9-10 मंत्री छन ये भी यही प्रदेशक हैं, हमारी जो बद्दुआएं निकलेली ना ये बद्दुआओं में, क्योंकि ये देवभूमि छे, ये बद्दुआओं को असर होण, और आज नहीं आलू तो भोल आलू पर आलू जरूर, क्योंकि हमारी आत्मा आज रोने लगी, और हमारी नहीं मैं तो बोलूँ कि तो शहीदों की आत्मा भी रोनी की, जो ये उत्तराखंड राज्य को प्रदेश से परिकल्पना करी थी कि कई हिसाब को ये राज्य बोलूँ या यो दिनों की खातिर नहीं करी थी, तो बस अब जनता सोच लिया कि जो आज हम दगड़ी होणू ये निश्चित रूप से आज हम हारी जो लाख बैठे ना, क्योंकि हमें तोड़ने को पूर्व प्रयास होने लगे, हम टूटेगी हम हारी, क्योंकि हम आर्थिक मानसिक रूप से बिल्कुल खत्म होगी, हमारी हार होली तो वह दिन ही जो छाना जय दिन हमारी हार होली वह दिन ही समझ लिया कि उत्तराखंड का लाखों युवाओं की हार छे और उत्तराखंडियत की हार छे, बिल्कुल उत्तराखंडियत की हार होगी अगर ये आंदोलन हार गया, इस आंदोलन को हारने तो नहीं देंगे, अगर आज इन्होंने नहीं सुना तो इन्हें हटाएंगे, और चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों आप सबको अपने कम्फर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, अपने आप को जो खास करके सचमुच में उत्तराखंड के दर्द को महसूस हैं सामने आइए, क्यों नहीं हम सरकार बना सकते, क्यों नहीं हम आगे आ सकते, क्यों नहीं बदल सकते, ये जो स्थिति हमारे प्रदेश में बन गई है आप देख सकते हैं, देखिए कि क्या हाल करा है, तोड़ा है इन्होंने, तोड़ने की कोशिश जो इन्होंने करी है ये एक लोकतांत्रिक सरकार से उम्मीद नहीं करी जा सकती। हाँ ये जरूर है कि पढ़े लिखों के इस प्रदेश में लोग बहुत अच्छी तरह से अपना काम करना जानते हैं और ये नहीं चाहते कि वे अपना काम छोड़े, परंतु आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं इनके घरों में क्या हाल होगा, बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि उनकी माताएं उनके पिता कहाँ हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं ये जानते हैं वो बच्चे, और मैं जानना चाहूँगी अपनी एक बेटी से पूजा से,
पूजा आप बताओ कि आप उत्तराखंड की बेटी है, उत्तराखंड जो है वो बना ही है महिलाओं के बलिदानों से, और आज देख लो कि क्या हुआ, आप लोगों को तोड़ने की कोशिश करी जा रही है और मामला कोर्ट में चला गया है, तो उसके लिए स्ट्रेटजी जो बनाई जा रही है वो तोड़ने की है, तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? यही बोलना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी हमसे तोड़ना चाहो चाहे कुछ भी करना चाहो, हम अपना जो हमारा जो संघर्ष जो था दिन ब दिन हमारा जो जन लगभग हमसे 90 दिन यहाँ लगातार वेगियन हमारा आंदोलन से लीके अपनी मांगों के लिए हम यहाँ पर यहाँ लगातार बैठा, तो मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप चाहना क्या ना, मतलब हम हिंदी में भी बोलना, हम जय भाषा में आप सुनने चाहना हम वह भाषा में बोल दिया था, लेकिन हम अब आज अपनी बोली में यहाँ के आज बोलना कि आप कम से कम अपनी भाषा, आप एक गढ़वाली परिवार बिटिन छा, आप एक पौड़ी बिटिन बिलोंग कर जान, तो हम अपनी भाषा में आज इले बोल चाहना कि आप कम से कम अपनी भाषा में अपनी जो उत्तराखंड को जो पीड़ा छे वो अपनी भाषा में तो समझो। हम मैं मुख्यमंत्री जी से भाषण आजकल देना कि हम दे प्रयाग में यू शराब निर्माण कराला लोगों को रोजगार देला, क्या पता तेन भलू हो जाए, लेकिन हमारी नज़र में हमारे उत्तराखंड का जो वासी छ ना उनका नज़र में ये बिल्कुल गलत छ, जय देव प्रयाग की मान्यता छी जख में दुई नदियों को संगम होती और दुई नदी इन तनी मनी नदी नहीं, जो नदियों की मान्यता छ भागीरथी और अलकनंदा को जो संगम सी जानी जान और पूरा देश में ही नहीं उत्तराखंड में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड जो दुनिया में जानी जाती कि यख में दुई नदियों को संगम हो लो और वहीं से गंगा का स्वरूप आता है, वही बिटिन गंगा को जो नौ जाने जादू और जो गंगा पूरा देश प्रदेश में जो पानी पानी छिपछाणी, तो यही मैं बोलना चाहूँ जन आप रोजगार हूँ गाँव वालों ते देना, अब हमारी नज़र में वो गलत छ लेकिन गाँव वालों की नज़र में क्या पता ठीक बोलू ऊँ कहें आप रोजगार देना, आप पाठ्यक्रम में गढ़वाली भाषा मेरे ख्याल से मैंने अखबारों में पढ़ी कि पाठ्यक्रम में आप शुरू होना बहुत अच्छी पहल है आपकी, हम वो क्या आपने बधाई देला कि आप बहुत अच्छा काम करना, और साथ ही साथ आप अपने विधायकों के अपने मंत्रिमंडलों के तनख्वाह आप बढ़ोना, इन हम आजकल सुनित है तो कहीं ना कहीं आप अपनी मंत्रिमंडल के तो बधाई लेना, अपनी एक क्षेत्र दे प्रयाग जो छ तख वालों के खूब बधाई लेना, या पाठ्यक्रम में पौड़ी वालों के गढ़वाली तनी हम लोगों के भी देख लिया हो ना, हम लोग भी तो अपने आप ही का प्रदेश का छन, हमारा भी जो माता बहनी छन उन उत्तराखंड आंदोलन में अपना शहादत दिनी अपनी लड़ाई लड़ी और तब जाके इतना खून पसीना बह गए यह अपने उत्तराखंड पाई थे, तो आप ये चीज से के नहीं ध्यान देना, आप के इथा ढीठ छन बने हमारे गढ़वाली में बोलता के अफकोर्स बनिया जो आपू अभी खा लू और से नहीं दे लू के इथा अफकोर बनिया, तो इन्हीं मैं बोलना चाहूँ कि आप हमारी पीड़ा हमारा दर्द जो 717 जो कर्मचारी हमारा जो भाई बहन छन आपका बेटा वाला आपका भाई बंद आपका ही जान पहचान वाला आपका क्षेत्र का वाला पौड़ी बिटिन सबसे ज्यादा हमारा भी जो कर्मचारी छन पौड़ी बिटिन तो सबसे ज्यादा आंदोलन में सबसे ज्यादा सक्रिय पौड़ी रंधु उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत भी वकी बिटिन हुए जन हम आजकल सुनना लग्या, तो जब शुरुआती पौड़ी बिटिन होती हर आंदोलन की हर अच्छी अच्छी चीज में जो शुरुआत पौड़ी कर दू तो आप भी तो पौड़ी करना, आपके नाम अपू खराब करना कि आप एक पौड़ी जिला बिटिन बिलोंग कर दा और आप पूरा देश में और पूरा वर्ल्ड वाइड इन गलत मैसेज देना कि एक मुख्यमंत्री जो पौड़ी को रहने वालों की देन उत्तराखंड को जो बिल्कुल नहीं सोची उन 717 और पता नहीं जितना भी बेरोजगार आजकल होना छ ना उनके आप इधर हाई के लेना, आप इधर लोगों की जो पीड़ा छ के अपना पर लेना कि आप आगाड़ी की नहीं सोचता क्या, आप अपना फ्यूचर की नहीं सोचना, आप तो उत्तराखंड में रहने वाला छ ना, आप तो हिंदू और उत्तराखंड में रहने वाले गढ़वाली छ जो कुछ भी गलत काम कर दू पहले इन सोचू अगर मैं कुछ गलत काम कर लू मेरा बच्चों पर ना लगो, मैं अगर कुछ कहकर कैसे पीड़ा पहुंचाऊं या जाने अनजाने में ऐसे गलती भेजा हो तो मैं पर ना लगो, मैं पर ना मेरी बीवी पर ना लगो, मेरा बच्चों पर ना लगो, मैं इन गलत काम ना करूं, तो आप इतना बुराई करके कख जाना, आप स्वर्ग में जाना कि कख जाना, अब हम आप तय नहीं बता सकता कि आप कथा गलत करना, लेकिन हम बस एक जागरूक ही कर सकता कि
कि आप साहब अब तो सुन लिया, आप मुख्य छानी यखा का, आप एक रिप्रेजेंट, आप एक चेहरा छी यख कि जॉन यख उत्तराखंड को आधार उद्धार कर है, आप मुख्यमंत्री छन बनाया है यख का, तो आप नहीं सुनना तो हम कख जाला। बिल्कुल, लेकिन लगता है कि पौड़ी वालों की, मैंने पहले भी कहा है, चल पड़ी है, लेकिन लगता है पौड़ी वालों में ऐसी चल पड़ी उनकी कि जिसको भी देखो वो कुछ ना कुछ बन ही जाता है, तो इसी वजह से लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए, एम ही बन गए, समझे अपना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप क्या कहेंगे बताइए, कहाँ से हैं आप अपना बताइए, अपना नाम और बताइए कि क्या क्या तकलीफें आपने सही है इन करीबन 90 दिनों में, कल 90 दिन हो जाएंगे, बताइए अपनी भाषा में बताइए ताकि गांव गांव लोग सुने। मैं अलमड़ डिस्ट्रिक्ट रानीखेत इलाके से, पिलखुली गांव से, वालम सिंह फतेह नाम से हूँ। मैं यहाँ बहुत दिन है कि तीन महीने हो गए है कि मुझे, और मैं 3 महीने से बहुत ही परेशान हो गया हूँ आर्थिक स्थिति से भी, उससे भी। अपनी भाषा में बताइए, आप गांव के लोगों को सुनने दीजिए इन मुख्यमंत्री के बारे में। तो मैं मुख्यमंत्री जी हूँ, ये मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 717 जो हम कर्मचारी थे उनको जल्दी से जल्द हम उनको समायोजित करी दो, जिससे हमारे यह उत्तराखंड बच सको, नहीं बेहतर यो आप लोगों को बहुत बहुत दुआ ले सके इन कर्मचारियों को, ये कहना था। और तकलीफ है बहुत, घर वालों की बात बताइए, घर में क्या हो रहा है? घर बेटी लगातार फोन हो रही, घर आओ घर आओ घर आओ करके, अब ये हम कब तक, अभी हमने जब तक हम ये अपनी लड़ाई के नहीं जी सकन, तब तक हम घर वालों को रुक जाओ थोड़ा सा, आएंगे करके। हाँ आप बताओ, आप कहाँ से हो? रानीखेत से। आप बताओ कि आप तो नौजवान हो, हाँ, और आपके साथ उत्तराखंड की सरकार ने आज जो किया है, इसकी पीड़ा अगर मुझे हो सकती है, इधर लाइट की वजह से ठीक नहीं दिखोगे, आप इधर आ जाओ, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इधर की तरफ आप लोग आ जाओ। तो आप अल्मोड़ा से, आप कुमाऊनी है? जी मैम। तो मेरे उत्तराखंड की ये खूबसूरती है कि गढ़वाल में अलग, कुमाऊं में अलग, मगर एक एक बच्चा मेरा कितना कितना समझदार, कितना काम, कितना पीसफुल, और चाहता है कि हर चीज़ शांति से हो जाए, पर सरकार जो आपने चुनी, जो हमने चुनी, वो नहीं समझ पा रही इसको। क्या कहोगे आप, आपकी नौकरी जो चली गई है और आपकी उम्र के इस पड़ाव में कैसा लगा? क्या सोचा था कभी कि उत्तराखंड में ये दिन देखने को मिलेंगे जो आपका राज्य है, आपके लिए बनाया गया है? मैं सरकार है निवेदन कर लूँ कि हम जो 717 कर्मचारी छू इनको समाजित जल्दी से जल्दी अविलंब समाजित करें, क्योंकि हमको 90 दिन आसपास है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, हमारे मेरी हमारी माता अभी सुशीला तिवारी हल्द्वानी में बीमार थी, पर लेकिन मैं मजबूर छूँ धरना प्रदर्शन करें, तब भी सरकार हमारे सुनने तैयार नहीं छू। सरकार है निवेदन यही छू कि हमें जल्दी से जल्दी समाजित करें, और अमूल जो आपको अमूल्य समय थी वो ये इस 108 सेवा में बर्बाद कर दे। अब अपनी इस स्थिति में हम घर कशी जाऊँ, यह हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो निवेदन है मुख्यमंत्री जी हैं कि जल्दी से जल्दी इन सभी लोगों को समाजित करें। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं? मैडम ये उत्तराखंड एक लोक ये क्या कहते हैं, लोक कल्याणकारी राज्य होना नाते ये सरकार का सरकार दायित्व छू कि धर्म भी है और दायित्व भी छू कि इन 717 कर्मचारियों को समाजित करें, और ये कर्मचारी अब इस स्थिति में जैन लगे क्योंकि उन अमूल्य समय तो ये बर्बाद कर दे। अब यह स्थिति ऐसे छू कि आज रोजगार नहीं छू, तो ये जी मुख्यमंत्री निवेदन यही छू कि आप जल्द से जल्द अविलंब यह समाजन करें। जी आपसे जानना चाहूँगी, आप बताइए कहाँ से हैं आप? मैडम जी मैं चमोली करमप्रयाग से। अच्छा। मेरा नाम नरेश। हाँ कैसा लगा कि हमारी सरकार ने हमारे साथ अन्याय कर दिया, कभी सपने में नहीं सोचा था, तकलीफ बहुत होती है, घर वाले क्या कहते हैं, सरकार तोड़ रही है, घर वाले बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि कब तक करोगे आंदोलन?
क्या? मैडम जी हम एक धरना बैठने 90 दिन होने वाला है और हम लगातार यह धरना में ये वजह से बैठे हैं कि हमारा सॉल्यूशन जल्दी निकलो, मतलब हमारा समायोजन जल्दी हो लो, मुख्यमंत्री जी सुन लो पर अभी तक नहीं सुनी तो हम और घर वाला भी बहुत परेशान छे। घर वाला भी बना कि तुम ये कब तक बैठे रहे, जब मुख्यमंत्री जी सुनने नहीं तो तुम ये क्या खाली बैठ के क्या करना। तो हम ये आस बैठी हो कि मैंने मुख्यमंत्री जी हम कई आंदोलन कर ली फिर भी अभी तक तुमने सुनी नहीं, तो हम फिर तुम्हारे लोगों ने अपनी गढ़ वाली भाषा में कि हमारे बातों सुन लें और जरूर सुन लें। रवि ठाकुर जग्गी जी, आपने लिखा है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत नहीं बल्कि अमित शाह है, तो अमित शाह क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? अगर अमित शाह यहाँ के मुख्यमंत्री है तो बड़े बड़े वादे किए हैं उन्होंने, क्यों नहीं वादे पूरे करवाते हुए, क्यों नहीं हमारे इन बच्चों को समायोजित करवाते और क्यों नहीं इनकी नौकरियाँ इन्हें वापस दिलवाते? आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं टिहरी से हूँ। टिहरी से हैं तो बताइए, टिहरी गढ़वाल से हैं जी, घर में कौन कौन है अपनी भाषा में बताइए ताकि आपके गांव में आपके घरों के आसपास के लोग हर बात को समझ सके, ताकि हम बता सके लोगों को कि सरकार ने आपके साथ क्या किया है। घर कोई नहीं है, मेरा माँ बाप तो है नहीं, माँ बाप तो छा नहीं है, मैं अकेले घर को आदमी। हाँ बस मेरा परिवार बहुत परेशान है इस समय, बच्चे भी बहुत परेशान है, बच्चे भी परेशान था, सब चीज परेशान। कितने बच्चे? तीन बच्चा। और क्या उम्मीद है? उम्मीद तो हमें 2-3 महीने हो गया बैठी करी, उम्मीद तो हमें कुछ लग नहीं रहा। उम्मीद नहीं लग रही है, फिर क्यों बैठे हैं? फिर भी उम्मीद नहीं है, फिर भी उम्मीद है कि शायद कुछ हो जाएगा, शायद इनको सद्बुद्धि मिल जाएगी। आप कहाँ से हैं अपनी भाषा में ही बताइएगा। मैं पौड़ी की छूँ। हाँ। और पिछले 7-8 साल भी टिकने ड्यूट सतपुड़ी जो मुख्यमंत्री गृह क्षेत्र जो सतपुड़ी खैरा से तो मैं वो ड्यूट में जो और अभी इन बताने तो जरूरत छा नहीं जा क्या मैंने हम यकम बैठे जा इतना दिन हम तो ये कोई 3 महीने हो गए कन परिस्थिति में हम बैठे जा ये सब जानते जन और हम ये सोचना कि चलो भाई आज सोचल ही पर बात सोचल बाल सोचल नर्सों सोचल लेकिन उन्होंने अभी तक क्या स्वायत्त ही होना इनको कुछ नहीं बोल सकता। हम तो पड़ोसी जा मतलब मुख्यमंत्री हम पड़ोसी जा हम ही क्या हमारे तो बहुत बड़ा लड़का यक्षण है पौड़ी बटी का लेकिन फिर भी अभी तक यूँ मतलब नहीं हूँ स्वयं नहीं हूँ विधायक है कोई भी नहीं आया देखना कन परिस्थिति न कोई डिबेट का किबिटी भी मतलब पॉजिटिव या घूमदान के सकारात्मक हमारा मतलब कुछ यूँ हुआ नहीं है। तो हम ही चाहना कि भगवान ये हमारे तरफ देखो सदबुद्धि होता दे या हमीदा दे दो तो हम ही चाहना कि चलो भाई देखो तो सही कन कन हालत में एक लड़का बैठे हम तो टूटी नहीं जा और हम उम्मीद में बैठे जाए हम नहीं टूटेंगे जबकि हम सबों को आर्थिक स्थिति तो खराब हो गया कि पैसा पल्ला नहीं हम सब मध्यम परिवारों गरीब परिवार का बच्चा जाए अगर वहां तो ये नौकरी में नहीं एक बैठो नहीं पड़ 10-12 हज़ार 15 हज़ार नौकरी में नहीं बैठो पड़ बिजनेस का नाम पैसा नहीं और बिजनेस का करण मन शहर में हम कर नहीं सकता पहाड़ों में लोग रहे नहीं पलायन हो गया पलायन आयोग बनाया खान पियानों का आयोग बनवा पता नहीं खान पान का खान पान का होगा तो धरातल पर अमन कभी देख नहीं पलायन आयोग भी हम ये केक सुना कि पलायन आयोग भी उनके अंदर तो पलायन आयोग के बारे में पता भी नहीं चाहे अब हमारे पलायन नहीं हुए धरना बंद तब हम तो पता चल गया पलायन आयोग नामक भी कोई चीज चल तो हम ये मुख्यमंत्री को हाथ जोड़ी कर विनम्र निवेदन करता कि भाई हम आपके बच्चा से अगर आप लोगों बच्चों पर नहीं नौबताई होंगी या आप रिश्तेदारों पर नहीं नौबताई होंगी तो आप तक कन लगो हम क्या भी देनी हमारे परिवार वालों को क्या भी देनी आप इंसान ज्यादा संज्ञान लियाओ जी। तो भाई ये उम्मीद करता हूँ कि चलो आज 3 महीने हुए कोई बात नहीं लेकिन भाव जल्दी से जल्दी हमारे कुछ अपनी नींद खोलो और आपके घर से क्या क्या मैसेज आ रहे हैं बताइए। मैडम मैसेज क्या ना घर से तो ये आ रहा मैसेज कि हाँ घर भी टिक मैसेज ही आनू कि भाई तुम पैरवाल के 1 महीना में भेज जाल हम उन कुछ नहीं बोल फिर बाल के 2 दिन 10 दिन 15 दिन यानी कर परिवार की जिम्मेदारी हम जो कब तक बैठना मन है ना
अब गांव में गांव घरों में रिदन परिवार तो चल जानो फिर भी जनता में चन हो काम लेकिन नहीं चल सको ज्यादा लंबो तो बोना कि क्या जो मतलब इतना नेगेटिविटी मतलब नकारात्मक फैल गया ये सरकार प्रति घर वालों अपनी या गाँव अपनी या हमारे रिश्तेदारों में जो तो हम जन जा हम तो समाज बीच काम कर हम सामाजिक लोग जा हम तो जितना जन दोनों को लन की ना ना तुम तो क्या वाल तुम्हार कन्मा वाल किले नहीं सुनो मुख्यमंत्री क्या को निकालो तो हम ये बोना कि भाई घर वाल बोना कि अब नहीं होना तो भाई आ जाओ घर बैठ जाओ कन्मा खर्चा चला। अभी मैं आपको एक बात बताऊं अभी यहाँ गैरसैंण राजधानी वाला जो आंदोलन चल रहा है वहाँ पर कांग्रेस के पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है वो थे वो कह रहे थे कि पता नहीं कहाँ पर वो 35-37 लोग इकट्ठे हुए वो भराड़ीसैंण में और वहाँ पे कोई नहीं आया उन बच्चों के लिए सामने नहीं आया। मैंने उनसे जब मैंने मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने उनसे यही पूछा मैंने कहा कि 717 बच्चे दिख रहे हैं आपको आप में से कोई आया क्यों नहीं हाँ तो आप मुझे बताओ कि कांग्रेस भी आपके इसमें आई शुरू में उसके बाद अब कहाँ चली गई क्यों चली गई क्या लगता है अब ये बारे में तो मैं क्या बोल सको तो हम तो आते इनसे कि भाई हमारे तो आप लड़े चिया कोई भी आओ एक स्वागत है हाँ। ना हम तो परेशान सबको है ना डूबते को बस तिनके का सारा बिल्कुल अब वो है ना हम स्वागत है लेकिन हम ही चाहता हूँ कि भाई करो आप बहुत ताकत उन विपक्ष में चाहते करो भाई क्या को नहीं कर सकना अगर आप की मुद्दा हो या वो की कोई समस्या हो तो वो घेर लीन विधानसभा सब घेर लीन दो दिन हम मांग मणवे लीन तो क्यों को नहीं कर सकना जब तुम इतना बड़ा पावर है विपक्ष मतलब बहुत बड़ा पावर हो ना सत्ता पक्ष में जो काम कराते विपक्ष ही तो करा नहीं तो सत्ता पक्ष क्या उन काम कर जब इतना डर उनकी विपक्ष भी चुपा बेहतर तभी तो सत्ता पक्ष काम करो तो हम तो इच्छा था कि भाई विपक्ष अगुन की अगर आप वाकई हमें अगर चाहते क्या कौन हमें काम नहीं होना 3 महीने बैठे हम क्या कौन परेशान मगर इसी बात पे आपसे एक और सवाल मैंने ये क्यों पूछा ये भी बताती हूँ इसलिए पूछा कि आरोप लगा कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं भाई तो जो विपक्ष है उनका तो काम है आना वो तो दुख की बात है कि हमारा विपक्षी इतना मरा हुआ है कि उनके आने के लायक ही नहीं है वो करने के कुछ लायक नहीं है चाहे आप कांग्रेस को देख लो यूकेडी को देख लो आपको देख लो सब मरी हुई पार्टियां हैं उत्तराखंड में। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके ऊपर जो ये आरोप लगा क्या ये सही आरोप है कि आपने राजनीतिकरण किया आपने कहा कि हम तो भाई हम क्या कर सकते हैं हम तो सबको बुला रहे हैं आप तो पढ़े लिखे लोग हैं आप तो अपने काम कर रहे हैं तो अगर आप लोकतंत्र में रह रहे हैं और वो आ भी जाते तो सरकार कुछ दिक्कत हो रही थी क्यों हो रही है मैडम इनसे लोकतंत्र अधिकार सब तक अगर हमारा धरना चुन या हमारे यहाँ कई भी धरना चुन और जो सत्ता पक्ष में चाहे अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष में होंगे तो बीजेपी नहीं आने से हम बीच के समर्थन में जरूर आएंगे ये फितरत होंगे राजनीति के जरूर आएंगे हाँ। अब हम तो ये से मतलब नहीं क्यों कई मान सच हम बीच है हाँ। हम तो सिर्फ मतलब कि भाई चलो ये हम बीच है तो हमार वाकई होता दुख छ हम बारे में तो इले हम तो समर्थन ध्यान कहे कि हाँ जी हमार तो वाकई दुख छ ये हम बच्चा छ इले हम अब उनकी मन से क्या है वो तो जनता जान दी सब लेकिन अब क्षण भी बैठ गया बिल्कुल बिल्कुल और इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है मैं इस बात को क्लियर करना चाह रही थी हाँ आप बताइए कहाँ से हैं मैं उत्तरकाशी जिले और हम यख लगभग 90 दिन होना हो 3 महीना पूरा बहुत टाइम होगी सब का आर्थिक कंडीशन भी बहुत खराब होगी घरवा हो गई है शारीरिक हालत हाँ शारीरिक लगभग सब को 4-5 किलो वजन घटी है जो दूध पराठा खान थे सुबह दो नाश्ता में वह पैसा नहीं होने की वजह से एक ही पराठा खाने लगे और कई कोई कोई तो हमारे लिए कि जो एक ही टाइम खाना खाने लगे क्या कि वहाँ पैसा नहीं चल रहा कि तनख्वाह भी आना नहीं लगी और सब पर घर की जिम्मेदारी भी और बहुत बुरा हाल हो गया लड़कों का मतलब खाने के लिए भी पैसे नहीं है अपना पेट काट काट के आप रह रहे हैं मगर आंदोलन को ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं जबकि सरकार पूरी कोशिश कर रही है इस आंदोलन को ख़त्म करने की। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं आप लोग की जब बातें सुनती हूँ आप लोग को देखती हूँ तो ये ज़रूर लगता है इस सरकार को ये ज़रूर कह देना चाहती हूँ कि आपको शायद दिख ना रहा हो पर आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि हाय इन बच्चों की लगे ना लगे मैंने कभी किसी को हाय नहीं दी पर अंदर से जो तकलीफ़ है मेरी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें से क्या निकल रहा होगा मैं नहीं जानती क्योंकि तकलीफ़ अगर मैं अपने मुंह से ना भी आपको हाय दूँ तो कुछ ना कुछ तो निकल रहा है जो मेरी तकलीफ़ है अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो आपके ऊपर लानत है धिक्कार है आप पे। आपसे जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं थोड़ा सा आगे आ जाइए
आपको नमस्कार मैडम, मैं रुद्रप्रयाग जिले से हूँ। रुद्रप्रयाग जिले, हाँ, हमारे यहाँ पे जितने भी साथी बैठे समय यदि भी दगड़े बैठे हो आज तीन बोला तीन महीना पूरा गुण बोलते तो तीन महीने में तक अभी तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकल। आज कंडीशन ये हुई कि हम खाना था पैसा नहीं रहे, सभी लोग स्थिति में गुजरना है कि मुँह पैसा नहीं कि मुँह रोना था नहीं और घोर भी जान करके जान न मुख्यमंत्री सुनू न कोई मंत्री सुना। आज हम यू लोग तो वोट जीते इतना गलती करी कि आज हमें खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारे जब आर वोट देने लोग हमारे घर घर में आते थे घर में आते थे। त्रिवेंद्र रावत आए थे क्या किसी के घर में? बॉडी का कौन है? घर घर गए वो क्या वोट मांगने? लोकसभा की बात कर रहे हैं आप? हाँ नहीं नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा में तो हमारे क्षेत्र में नहीं आए, फिर भी आपने उन्हें जिता दिया? नहीं जिताए पर जनता जीते थे। अब ये काम जनता था, आप सोचो। अब इसका मतलब है वो नहीं आए फिर भी उन्हें जिता दिया गया? दिवाकर भट्ट जी सोच लीजिए। असल में बात ये है कि खुद तो थे भी उम्मीद नहीं थे चुनाव से पहले कि मैंने मुख्यमंत्री बनना। हाँ। ये अपनी डोई वाला सीट बढ़ते हाँ। वो तो एच बटे आशीष मिले तो मुख्यमंत्री बनी और शायद वही गुरूर। हाँ अब यू लगणू हम ही नहीं लगणू, हमारा जो था रिश्तेदार जो थे हमारा परिचित लोग जन मुकेश भाई ने बताई कि हम लोग समाज का हर वर्ग दड़ जुड़िया थे क्योंकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। तो चिंता का हमारा आज भी तक है, आज भी फोन करता भी बोलता कि हम ही दुख तुम्हारे बारे में तो आज भी बोलूँ कि ये आदमी कभी सोची नहीं थी जो आज मुख्यमंत्री जी बने कभी सोची नहीं थी कि मैंने मुख्यमंत्री बनी और बनेगी शायद वही गुरूर तो हुई। एक और चीज दिवाकर भट्ट जी और आप लोगों सभी से जानना चाहूंगी, आज ना एक टेलीविजन डिबेट पर एक महानुभाव आए भाजपा के प्रवक्ता, कहने लगे पहाड़ों में सब कुछ है, हर घर में बिजली है पानी है, कुछ असलियत बताएंगे आपके घरों में कितना बिजली पानी है? सारे गांव में बिजली तो मैम अब चलेगी लगभग लगभग बिजली तो चलेगी। हाँ। और रणो निरण अलग चीज है कि कथा देर रही एक ता एक फ्यूज उड़ जाऊँ तो कई दिन तक फ्यूज सही नहीं होंगे क्योंकि लाइन मैन वहाँ एक इतना लंबू क्षेत्र होंगे ज्यादातर जाएंगे तो लाइन मैन वहाँ करीबन तीन तीन चार चार पट्टी होंगी और एक पट्टी में कम से कम 25 गांव होंगे। हाँ। तो लाइन मैन साहब बोलता कि मैं तो फलानी पट्टी छाए मैं और चार पाँच दिन में ओलू तो वो स्थिति है। धरातल पर कुछ नहीं है, धरातल पर कुछ नहीं है, टिहरी डैम की बिजली नहीं। हाँ टिहरी डैम में देखिए वो क्या था वो बोट वो डूब गई ना, मरीना। हाँ मरीना मैडम। हाँ जान जो अगर सब कुछ पहाड़ों में चाहिए मंत्री जी बालिया प्रवक्तन बोली तो क्या को नहीं लोग पहाड़ों में नहीं बसना फिर पलायन करेगा फिर देहरादून दिल्ली बम्बई क्या को जाना अगर सब कुछ होगा तो ग्राव पहाड़ों में तब पता चला लगेगा एसी कमरों में बैठे तो तुम पहाड़ों नियम कानून बड़े देख पहाड़ों में इनवाल पलायन आल होगा फलाना आयोग ये है जब धातल पता नहीं भाई जे जो एसी कमरों में बैठा लार कम गर्मी का ठंडा का आकलन कनमन लगे सब कुछ जब तक कोई भीतर ना था नहीं हो सको बिल्कुल। और एसी कमरे में ऐसे बैठे हैं कि बस कुछ खबर ही नहीं है। और मैं तो ये भूल गई थी कि वो पौड़ी से नहीं वो तो डोई वाला से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो डोई वाला से कोई है क्या? कोई आज नहीं है आज आज चलिए कोई नहीं। आप मुझे बताइए आप कुछ कहना चाह रहे थे? हम तो कुछ लड़ता है हमने कि जो कंडीशन है हमने एक डंगवाल जी था। हाँ जो की कंडीशन है हमने चाहिए तो बिस्तर भी खड़ा उठ ही नहीं सका। हाँ राजेश डंगवाल जी की बहुत ही बुरी हालत हो गई है। रमेश डंगवाल, रमेश डंगवाल हमारे सचिव सचिव आज हमने कंडीशन हुई की आज बिस्तर भी खड़ा उठ ही नहीं सकना नहीं खड़ा कुछ पुलिस उनके पड़ता है ठीक जी और कुछ यहाँ ये धूप माँ ये धूप माँ हालत खराब आज हमारे सूर्य भाई जी वो घर में अकेला आदमी जी अच्छा अकेला आदमी जी घर में अकेला कमाने वाला आदमी जी घर भी दियो अपन और ये तीन महीने में बैठी जी तक आप क्या बोलो बताइए बोन क्या बोन हाँ बोन पर बोन क्या बोन बोन पे बोन बोन पर बोन क्या बोन 90 दिन हो गया और कोई सुनो तैयार नहीं सरकार हो चाहे अपनी भाषा में बताइए ताकि आपके अपने भाषा में बोला बताइए तो मैडम कोई सुनने सुनो तो कोई तैयार से नहीं कोई सरकार हो चाहे मुख्यमंत्री हो मंत्री हो विधायक हो 90 दिन भाई हम बैठे और यखे में और कार्यालय से यखे में कार्यालय भाजपा भाजपा का कौन सा कार्यालय महानगर कार्यालय यहाँ पे वो आते आए थे ना को क्या नाम है वो जिनकी वो चाउमीन की दुकान ध्वस्त हो गई थी जब एनक्रोचमेंट हटा था हमारे देहरादून के मेयर जो है
गामा जी, गामा जी माननीय गामा जी, जिनका नाम भी मैंने इलेक्शन के पहले कभी सुना नहीं था, उन वो यहाँ आए थे, आप लोगों को बुलवाते थे, आपसे बात करते थे, आपने पाँव भी खूब छुए उनके, है ना, छुए या नहीं छुए बोलिए, छुए गाड़ी और यहाँ आए और यहाँ से चले गए, झांका भी नहीं, बोलिए गाड़ी खड़ी करी यहाँ पर, इधर यथ भी नहीं देखी, 50 मंत्री कोई होना तैयार नहीं, 50 मंत्री आते हैं मतलब हाँ, हाँ, कोई तैयार नहीं, अगर कोई कांग्रेस हो ताकि आप लोग का कोई साथ ना दे, आप लोगों को पूरी तरह से दबा दिया जाए, है ना, यही चाहते हैं ना ये कि कोई आपकी आवाज ना उठाए, आप लोग एकदम खत्म हो जाए, शारीरिक रूप से आप खत्म हो चुके, क्यों हो चुके या नहीं हो चुके, शारीरिक रूप से खत्म हो चुके, आर्थिक रूप से एकदम खत्म हो गए, और चाहते क्या है सरकार कि आपके साथ कोई खड़ा ना हो, इसीलिए मुझे भी तो धमकी इसीलिए दिलवा रहे थे, क्यों दिलवा रहे मुझे धमकी देकर, इनके जैसे मैंने 36 देखे, इनका तो नाम भी नहीं सुना मैंने 94 में जब यहाँ पे उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था, हम तो नौजवान थे, इन्हें तो देखा भी नहीं, पता नहीं कहाँ से निकल के गए, आज नेता बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, हमें क्या बताएंगे, पढ़ाई लिखाई करी है हमने, उत्तराखंड में रहे हैं, और देहरादून हमारा है, देहरादून में हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, ये पता नहीं कहां से टपक गए, बताइए आप, बताइए अपनी तकलीफ के बारे में कुछ, बताइए अपने अपने लोगों को, बताइए अपने उत्तराखंड वासियों को, बताइए अपने गांव के लोगों को, बताइए अपने क्षेत्र के लोगों को, बताइए। तो उतार फिर सोचो कि यार चलो घूम, भविष्य में हम देखे कि भोलत, तो शुरू में हमको वहाँ गुप्तकाशी भेज दी, हाँ। तो 5,500 रुपये मिलने हैं उधर, हाँ। तो उस समय उतार तो वो 5,500 रुपये तो 28 तारीख ऐसे खत्म हो जाए, तो ऐसे ही फिर एक टाइम खेबे चलू है हम, तो धीरे धीरे करें फिर हमको यहाँ लमगाड़ में भेज, यहाँ भेजा जब तो हम जिंदगी चल, बच्चे नना के इसके ऊपर, तो धीरे धीरे करके आज ये तो साल बटी काम करते करते हम सोचो कि भूँ कि हम भल भल नना के भल स्कूल में पढ़ू, लेकिन आज नना के टाइम खड़ा जी मुसीबत है कि मैं बीच में यहाँ लगातार 3 महीने में यहाँ भेरू बीच में बीमार रहे हुए, तो जेब में यहाँ देहरादून हॉस्पिटल में भर्ती है हुई, तो वहाँ स्ट्रेचर जी 90 रुपये मेरे जेब में नहीं निकल, 90 तो साथ वाले अच्छी तो उसने ये 90 रुपये वहाँ भरी, तो फिर वह बटी कर्ज मांगो, फिर 1500 रुपये उस हिल दी, फिर 10-12 दिन वहाँ, फिर एक दो दिन हॉस्पिटल में ये बात हुई, फिर यहाँ धर्मशाला में फिर शांति ने कुछ दिन तक खिलाफ, फिर मैं घर गई, फिर वहाँ थाना था पर कर्ज मांग लिया, फिर दोबारा यहाँ आई कि हो सका हमारा काम है चल करने, लेकिन आज 3 महीने बटी कोई ना हमारे बात सुन रहा ना कुछ सुन रहा, और मुख्यमंत्री हमारे ऐसे भी बिल्कुल ना कान सब बंद हैगी, और आज हमारे नना जो भविष्य थे बिल्कुल अंधकार में है, और इतु साल मेहनत कर भी दिन रात हम मैं तो मेहनत करी हूँ गाड़ी रात, ना हम कोई ना कोई त्यौहार हम आज तक खाए, ना कभी दीपावली में हम घर गए, हम दिन रात ये सेवा में हम काम करे, और आज हमको मिल के आज जब उस बारे में जब ये बारे में सोच रहे तो बहुत हमने पर भी हम खुश हूँ, और कि हम यह सेवा देकर जुड़ू, और हम तो आज अवसर हो, और कभी कभी सारा शाम को कभी कभी जब ब्याह करने सोते क्षेत्र तो जब लोग ख्याल होने जब तो बिल्कुल दिमाग को खराब है ना, और बिल्कुल रात भर नींद नहीं आती, मैं इतना परेशान हो गया, परसों घर बैठी फोन आई, उन्होंने बच्चे नाना बैग फट गई और बैग फाटी हुई बैग मांगी, अब जब यहाँ एक टाइम खाने के लिए पैसे नहीं है उनके तो बैग कहाँ से रहे, और क्या बताया मेरा दिल बात इधर आ जाए।
आप सुन सकते हैं, बताइए घर में अगर बच्चे को बैग चाहिए तो पिता कहाँ से बैग ला के दे जब वो खुद ही एक समय का खाना खा रहा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही नौटियाल जी? तबीयत तो अस्वस्थ है मैम। तो यही तो सरकार चाह रही थी, आपने अपने आप को अस्वस्थ कर दिया। बताइए, आपने तो सरकार की इच्छा पूरी कर दी। सरकार यही चाह रहे थे आप, देख लीजिए इस चेहरे को अच्छी तरह से, पिछले वाले वीडियोज में भी जरूर देखेगा। और वो महोदय जिन्होंने फोन करा मुझे, पुलिस के साथ बहुत अच्छी साठगांठ है ना आपकी, मुझे फोन किया था, देखिए इनका इनका चेहरा। कुछ तकलीफ हो रही है आपको या नहीं हो रही? आपकी धमकियों से मैं तो डरने वाली नहीं हूँ, मगर ये देखिए ये जो तकलीफ झलक रही है ना इस चेहरे पर, आप देख रहे हैं कि ये बीमार कैसे लग रहे हैं। अगली बार किसी को कहें कि चुप रहे, किसी की मदद ना करें, गलत लोगों के साथ ना जुड़े, सोच समझ के बोलिएगा। बताइए नौटियाल जी, तो मेरी तबीयत भी खराब थी चलनी, दो तीन महीना बिटिया ने बैठिया देहरादून, घरवाली की तबीयत भी खराब थी चलनी, तो देहरादून ये ऋषिकेश एम्स में इलाज चलू। मैं अभी घर गए तो घर भी अव्यवस्थित छाए, बच्चा भी बोलना कि भाई पापा वो स्कूल बिटन मैडम लई बंद, गुरु जी लई बंद कि स्कूल की फीस जमा करा, फीस भी नहीं जमा हो पाने, घर भी अव्यवस्थित छाया, बच्चों मन किताब भी पूरी नीचे, और मैं थी घर सेम हम सेम मुखेम नागराजा की धरती का छे, मैं थी सेम नागराजा मंग भी गया कि प्रभु अगर हम उन 11 साल तक की अपना प्रदेश की सेवा 108 मार एक सच्चा मन से करी होली तो हमारी मांग जरूर पूरी हो, तो अगर न करी होली थी तो खुद देखने वालू छे। ये खातिर मेरी सभी जनता से भी अपील छे कि आप लोग भी हमारो सहयोग करा, हम लोगों ने साथ देवा, और ये प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, जो जीवन दायनी 108 लोग उतने जीवन दायनी थे बनी, संजीवनी थे बनी, हर जीवन दायनी आज पूरा प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरा हाल हुई, हर जीवन दायनी कखे न कखे प्रदेश वासी उतने जीवन हरणी छी बनी। ते खातिर मैं आप सभी लोगों से विनती करूँ कि आप लोग भी सहयोग देवा, जहाँ जय खातिर ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरू, स्वास्थ्य व्यवस्था का दगड़ी शिक्षा व्यवस्था सुधरू, प्रदेश का नवयुक्त हैं रोजगार मिलू, हम लोगों ने रोजगार रखते हैं भैर पलायन न करना पड़ो, ये खातिर ये प्रदेश को निर्माण करी थो, हम लोगों हमारा बुजुर्ग उन माताओं बहन उन अपनी जान की बलि भी देनी, जान की कुर्बानी देनी कि हमारो प्रदेश अलग बना लो, हम लोगों ने रोजगार मिला लो, हम लोगों ने यकी अपना घर से दूर जान न पड़ा लो। लेकिन आज है ना हाल वही है कि 11 वर्षों तक सरकार का माध्यम से भी जोड़ी प्राइवेट कंपनी में रोजगार थे मिलो तोड़ी रोजगार देखते सरकार अपना निजी स्वार्थ देखते हैं तोड़ी भी बहर करनी, वो आज कखी न कखी हम 717 कर्मचारी 108 का जो 11 वर्षों तक ये प्रदेश की सेवा करी, दिन रात 24 घंटा तन मन से सेवा करी, आज कखी न कखी हम लोग जो छा पलायन मजबूर हुआ, वो हमारा जो छा 717 कर्मचारियों का परिवार भुखमरी का कगार पर रही। ये खातिर मैं पूरा प्रदेश वालों से निवेदन करूँ कि आप लोगों का बच्चा भी हमारा बच्चा भी बोल का दिन आने वाली पीढ़ी की दगड़ी यह ना हो, आप लोग एकजुट होवा और ये भ्रष्टाचार मिटोते हैं आवाज उठावा। ये मुख्यमंत्री जी आपको एक चीज तो बताना चाहती हूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए जो पूरे देश में हो रहा है वो यहाँ नहीं होने देंगे, तानाशाही का राज तो यहाँ नहीं होने देंगे, यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, सड़क पे आना पड़ेगा तो बुद्धिजीवी भी आएंगे, पढ़े लिखे लोग जो अभी चुप है वो भी आएंगे। आप मुझे बताइए आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए जी। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट रानीगंज से हूँ। कुमाऊनी है? हाँ जी जी। आज हमारे इस धरने को, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिगंबर सुयाल है। अपनी भाषा में बताइए ताकि आप अपने क्षेत्र के लोगों से बात कर सके, उनसे बात करिए, उन्हें अपनी समस्या बताइए अपनी भाषा में। मेरा नाम दिगंबर सुयाल से, 11 साल हमें यहाँ कार्यरत काम करते हुए होगा, आज 89 दिन हमारा धरना का है वो, और मुख्यमंत्री जी अभी तक यहाँ कोई उनके प्रतिनिधि यहाँ पर कोई नहीं पहुँच रहा है, और यहाँ पर हमारे कई बीजेपी यहाँ पर बीजेपी कार्यालय छे, कई लोग यहाँ पर उन्हीं घर जेबे फिर उन्हीं तमाम धरना के होजे बाद हम पता लागू यहाँ हेरी बात हुए, जब घर पहुँच रही तब वो फोन करनी, फिर उन्हें हम यहाँ देहरादून को देहरादून के जी आप खबर बोलो कम से कम यहाँ पर हम मिल जाए के बात कर जाओ, हम दबाव में मैं तुम के दबाव में छाए, फिर तुम विधायक लोग छाए जो लोग छाए सतना ये कहते हैं, ये विधायक कहते हैं कि हम दबाव में हैं। हाँ दबाव में, अब हम गए जब ये तो
कुत्ते जैसा गए जो घर बैठा कुत्ते निभा ना कुत्ते तो कम से कम भोगो जो हमारे विधायक जैसी भोग नहीं सक रहा है हम लोग का तुम कह के मुख्यमंत्री बनाए को मुख्यमंत्री बनाए चाहे सामने तुम भोग नहीं सक रहा या तो अंग्रेजों राज बेलो बुर राज हो और जब ये सांसद चुनाव चला जी उस समय मैं बेताल घाट में थी जब केकुनी ये कहते हैं कुनी ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी आरएसएस में ज्वाइन करे थी तब वो कुनी आरएसएस में तो यशु यशु तब मुख्यमंत्री जी पूरे ऐसा होता आरएसएस में वो कहते हैं कुनी आरएसएस में अमूल पढ़ फटी कपड़ में अमूल ट्रेनिंग करी यश करी उस करी ये सब तुम वोट मांग भी लिखा उधर अजय भट्ट जी लाए थी अजय भट्ट जी का अमूल मामली जीते भी सांसद मगे आज अजय भट्ट जी के बुलाना कह दिन तुम ठेकेदार हमें मकाना निर्माण करनो जैसे कोई मकाना निर्माण करो हम एक ठेकेदार को ठग दे दिलो ये बात वो ठेकेदार काम में जो हमको तो उन्होंने लेबर बिल पलतरू बने मतलब अजय भट्ट जी ला यश कौन जानो हम अब तुम अखिल बाल आ रहा हमारे शान में तब हम लोग हमला एक ठेकेदार चुनो लग ठेकेदारों को चुन लिया है ठेकेदारों की सरकार है हाँ। मतलब अब हमारे को आवश्यक है कि हम इन ठेकेदारों को हटाए हाँ। और ठेकेदारों के आदमी है कौन हाँ अजय अजय भट्टू जस कहो तुम ठेकेदार आदमी अच्छा लेन चेन है ना आपको कहा कि हम जब वहाँ जर्सी उन्होंने हमने तो कंपनी के एक छक दिया है हमारे क्या उन्हें लेकिन मैं वैसे बोल रही हूँ कि हमने ठेकेदारों की सरकार भी तो चुनी है क्यों ठेकेदारों की सरकार नहीं चुनी है क्या ये ठेकेदारी करने के लिए तो ठीक है पर हम पर राज करने के लिए सत्ता संभालने के लिए क्या ठीक है क्या कहेंगे आप ये ठेकेदारों की सरकार नहीं लग रही आपको ये खुद क्या ठेकेदार नहीं है दूसरों को क्या बोल रहे हैं क्या ये ठेकेदारों की सरकार नहीं है बताइए पूजा ठेकेदारों की सरकार नहीं होती तो ठेका पड़ता तो बंद कर दी ना ठेकेदारों की सरकार नहीं होती ठेका पड़ता सारी ठेके खुद लेने हैं सब ठेका छे दारू की भी ठेका छे और हमारो भी ठेका छे एम्स मां भी ठेकेदार छे बैठाया और जो भी छोटी मोटी जो भी ये जो हमारा ये CSCPSC छे वो भी ठेकेदारी के अंदर है वो भी हिमालयन जॉली ग्रांट के अंदर है जो हॉस्पिटल जो गाँव में जो पेशेंट से देख लिया था जो फार्मासिस्ट डॉक्टर तो वक्त पहाड़ चढ़ता नहीं था जो फार्मासिस्ट वक्त में देखता था जो परमानेंट फार्मासिस्ट रहता था जो मरीजों से डॉक्टर का बिना ही पूरा इलाज कर देता था सी जो हॉस्पिटल था जो सरकारी थे तो से भी तो प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेट करे ली जॉली ग्रांड मतलब मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि जो बेलेश्वर चमियाला जो टीरी में पढ़ दूँ एक एरिया छ जो गाँव पढ़ दूँ तो चमियाला में जो बेलेश्वर हॉस्पिटल छो वो भी जॉली ग्रांड का अंडर है अब ये मैं फायदा क्या कुछ छोड़ू मरीज तो वो जाना नहीं जो मरीज तक जाला इलाज आ गए तो सीधा रेफर कर रहा सी अपनी ये ठेकेदारी तो हुई ठेकेदारी जो एक CSC डोई वाला थी तक भी आप जो जॉली ग्रांड जो वे का अंडर में आएगी बहुत सारा जो CSCPSC चलता था जो प्राइमरी चलता था जो हेल्थ सेंटर जो चलता था सब सी प्राइवेटाइजेशन का अंडर तो ये भी ठेकेदारी अपना फायदा हम तो नहीं होना जो लोकल जनता थी तो कहीं फायदा नहीं होना तो सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल से भेजना तो कहीं ना कहीं वो फीस दे ला बड़ो इलाज करा ला छोटा छोटा इलाज में एक टांगा लगाना सीधा रेफर करता है रेफर कहना होनी थे 108 जो हमारी बदौलत सी रेफर कर देता था आप पता नहीं जखन सी रेफर वाला करना आप लोग लेके जाते थे उन्हें हम ही लोग तो से संभाल देता है तो केसेस हैं जो सीरियस रहता है तो दड़ी जूझ देता है तो कहें इथा मेंटेन और इथा तो दड़ी इंजेक्शन लगा के तो से लगभग 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में जो हायर सेंटर होते तक पहुंचा देते हैं ठीक हालत में अब वो कंडीशन नहीं रही अब जो EMT छ पायलट छ वो अनट्रेन छ रास्ता में EMT पायलट गाड़ी गिरा दिलू या EMT से कुछ छानी आज मेरी ना बड़ी बहस हुई एक JD तिवारी करके हैं उनसे वो मुझे कह रहे थे दिवाकर जी कह रहे थे कि नहीं आपको पता ही नहीं आपको कुछ पता नहीं है आपको कुछ खबर नहीं है मगर ये जो सर्विसेज है बहुत बढ़िया चल रही है और बड़ी खुशहाली चौहान थे उनका नाम JD कंस्ट्रक्शन या कुछ ना चौहान तिवारी नहीं थे कि बड़ी खुशहाली है बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है चारों तरफ बहुत अच्छा चल रहा है कुछ कहे ना हाँ क्या कहेंगे आप ऐसे महानुभावों से हाँ बहुत बढ़िया तो मैडम चलने लगी सेवा बहुत बढ़िया चलने लगी कागजों में चलने लगी और जो अपना निजी लोग छे तो तैनाती होगी और एक बात और बता दियो कि जो यूं का कार्यकर्ता था पार्टी का कार्यकर्ता अब ये बात आएगी ना तो कार्यकर्ता था एक नौकरी लगाई और जिला को संचालक बने कार्यकर्ता जो पार्टी को कार्यकर्ता और एक चीज और बता दियो जनता थे
कि जो हमारी पुरानी कंपनी थे ते दौरान साफ इंस्ट्रक्शन थे सब लोगों थे जहाँ हमारे ऑफिस को स्टाफ बोलू कई बर्खास्त की ये मामला में हुए थे कि कभी भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम में या सोशल मीडिया पर के राजनीतिक दल को प्रचार या कुछ भी कर ली तो तुरंत बर्खास्त की थे बिना कारण बताई नोटिस का। और आज खुला आम जो छाने पार्टी का लोग संचालन कर लगे तो वही वाली बात हुई कि सब अपड़ोस। दिवाकर जी आपका मैंने देखा है फेसबुक से, मुझे पता है, मुझे आपसे तो मैंने ये बात नहीं करी कभी, आपके परिवार में लगता है बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति से जुड़े हुए भी हैं गांव की राजनीति से, क्यों ऐसा है क्या? परिवार का लोग तो ज्यादा मतलब रिश्तेदार आसपास के दोस्त दोस्त है ना, अब गांव में तो सब रिश्तेदार ही होते हैं, क्यों? तो मुझे ये बताइए कि आप क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं दोनों की बात कर रही हूँ, देखिए उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा दोनों की बात कर रही हूँ, मैं कांग्रेस परिवार से हूँ फिर भी पूछ रही हूँ आप, मैं उनका साथ नहीं हूँ। मैंने तो मैडम ब्याली बल्कि आपको स्टेटस भी डाले थे फेसबुक पर, एक पोस्ट भी डाली थी, काफी लोगों के पर पोस्ट कमेंट आई कि उत्तराखंड अब ये ना मुहाना पर खड़ा हो गया 18 वर्ष का बाद, कि उत्तराखंड आज तक जो भी सत्ता में रहे चाहे वर्तमान सरकार चाहे पूर्व सरकार, आज चाहे हमारा धरना में आओ ना आओ, यौन कोई नीति नहीं बनाई। आज उत्तराखंड में अपनी बात नहीं करूँ, 108 कर्मचारियों की बात एक साइड रखी गई, पूरा उत्तराखंड का परिदृश्य मैं देखूँ तो उत्तराखंड पूर्व बर्बाद जो राष्ट्रीय पार्टियों ने कर ली, जब तक सोच दिल्ली वाली ने बदले ली, जब तक देखो स्थानीय सोच न बोली, तब तक ये उत्तराखंड को भलू होने वालू नहीं। अब चाहे आप कथिया आंदोलन कर दिया कथिया कुछ कर लिया, क्योंकि यूं का आका दिल्ली में बैठे सड़क बनवा ठेकेदार दिल्ली बैठे नोना हरियाणा बैठे नोड़ लगे, हमारा आदमी लेबर गिरी करने लगे, कोई डंपर चलाने लगे दिन भर, ये स्थिति हुई। शराब का ठेका यूं खच पर्ची डालने लगे, हमारा नौसी हमारा भाई बंधु का नौसी 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया तई पकड़े लियो, खुश हुई देवप्रयाग की जमीन सारी हड़पी ली, ये लोग इतना खुश हुए कि हमारी जमीन 3-3 लाख रुपया हमारी तो बंजर जमीन था, तय गाँव का लोग जो डडवा छाम जो तई इलाका का वाला डडवा गांव में फैक्ट्री खुली, ये लोग कथिया खुश हुए हैं, ये चुप हुए आंदोलन हम कथिया भी कर लियो नहीं थी शराब के खिलाफ, तखा का लोग साथ नहीं जाना, क्यों? ये बोलना हमारी तो बंजर जमीन थे, बाप दादा की जमीन थे, कोई बोलो मैं 3 लाख मिली, कोई बोलो मैं 2.5 लाख रुपए मिली, जब तक हम ही मानसिक तय ना बदला ला अद्दा पवा मना बिकला वोट का टाइम पर ठीक, तब चाहे कथा भी बालाकोट बोलू सीमा हमारी आज बहुत सुरक्षित है, ये खाली भ्रम फैलाने वाली बात की सीमा असुरक्षित थी अब यौन कर ली कह नहीं करी, सीमा बहुत सुरक्षित है आजकल हर कोई सक्षम है, पर जब जनता को जब तक पेट खाली तब तक न सीमा सुरक्षित हो सकती, सीमा सुरक्षित तुम क्या कर लगे पूर्व पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी जिला जो चीन का बॉर्डर पर लगे जिला वो बिल्कुल खाली होगी, चीन का बॉर्डर है जो चीन बगल वालू देश न तैन तक तलक रेलवे नेटवर्क तक खड़ो कर ली तो हेलीपैड बनी बड़ा बड़ा तक जहाज उतर सकता, और हमारी स्थिति यह कि हमारो एक बड़ू बड़ी गाड़ी चली क्या कोई लड़ाई छेड़ने की नौबत आ ली, कोई यू सामान ले जाना तो वो सामान ले जाना नहीं कि फौजियों को हर्षिल से गाड़ी को सामान पहुंच जाओ, सबसे ज्यादा पहाड़ के लोग हैं जो फौज में होते हैं ठीक है ना, और दूसरी तरफ ये कमाल की बात नहीं है कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र जो है चाइना से लगा हुआ है पर कभी भी हमारे क्षेत्र से चाइना ने घुसपैठ करने की कोशिश तक नहीं करी, क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारे लोग बैठे हुए उन गाँव में लोकल लोग जो हमारा लोगों के अंदर जो छानो स्वाभिमान हो सबसे बड़ो सबसे बड़ा स्वाभिमान है, 90 दिन बैठी हमें बैठे आराम से, हम चाहना था अन्य राज्यों की तरह उग्रवाद फैले देना, अब तक पता नहीं कथा लोगों की गाड़ियों जले देन था कथना पब्लिक था नुकसान हो, पर हम हमारा स्वाभिमान है कि ये हमारे ही लोग है, कई गाड़ी पर आग लोगों को सरकारी संपत्ति हमारी हमारे टैक्स का पैसों की ये कमी ये मैं कमी मान दू कि हम लोग ज्यादा शालीन छे और शायद यो को फायदा ही राष्ट्रीय दलिया उठाने लगे, और जो आज हम दगड़ी होने वाला टाइम पर बहुत बड़ा लेवल पर वन और पहाड़ की खातिर बहुत खतरनाक स्थिति छे, आपने आपन सिड़कुल खोली आपन इंडस्ट्री लगाई कई पहाड़ कई उत्तराखंड की बात आप कर लगे आप उधम सिंह नगर हरिद्वार देहरादून, अरे हरिद्वार वालों तो मेरठ भी चल जाओ रोजगार का हाँ। मेरठ नजदीक हाँ। टीरी उत्तरकाशी पौड़ी चंपावत पिथौरा गडल मोड़ा क्यों नहीं लगाई, क्यों नहीं लगाई? अब जो धारचूला वालू लड़का वो रुद्रपुर वालू काम करे अब तब तक 8-10 हज़ार रुपये तनखा मिले तो तेन हाँ। कम अपने परिवार पाओ 4 हज़ार रुपये तेन कमरों किराए दें, यह नौबत हुई हाँ। यदि वास्तव में उत्तराखंड बढ़ने के बाद की सोच ही नहीं होती कि लोगों को रोजगार दियो तो ये फैक्ट्रियों ही उत्तरकाशी लगांदा पिथौरागढ़ में लगांदा पिथौरागढ़ मुख्यालय में लगी हुई तो धारचूला वालू आसानी से जा सकता है, उत्तरकाशी में होंगी तो मोरी वालू आराम से जा सकता है, टिहरी में हूं तो प्रतापनगर वालू आराम से जा सकते हैं, नीति नहीं है ना, कुछ नीति नहीं, या एसी कमरों में बैठे या एसी कमरों में बैठी नीति बन लगी या बैठी बोल लगे कि पहाड़ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अरे बढ़िया चाहू तुम जा जरा आज मैं अपना क्षेत्र की बात करूँ मेरे प्रतापनगर क्षेत्र में चल जा जरा क्या स्थिति, पूरा काला पानी की सजा भुगतने लगे, एक एक्सरे की व्यवस्था नहीं, सीएचसी खुली एक एक्सरे की व्यवस्था नहीं, एक एक्सरे करोना कहीं 70 किलोमीटर दूर
जिला अस्पताल दौराड़ी होना पड़ू और जो अभी पूजा बहन बोल थे लगी ये अस्पताल भी ठेका पड़ दी थी बेलेश्वर टिहरी जिला का तीन अस्पताल थे प्रयाग अस्पताल बेलेश्वर सामुदायिक और जिला अस्पताल टिहरी। आज तक अस्पताल की स्थिति इतना खत्म होगी मैं तब एक चीज बोलूँ ये विधानसभा ठेका पड़ दी थी विधायक ठेकेदार रखो विधायक विधायक भी ठेकेदारी रखो विधायक सही काम न करो तो ठेकेदार और क्या बिल्कुल भाई ठेकेदारी में तो मगर ये लोग ठीक ही हैं ठेकेदारी का काम तो ठीक से कर ही लेते हैं तो हम भी मान लेंगे कि विधायक ठेकेदार हैं मगर जरूरत मैं जो आपसे पूछ रही हूँ क्या ये लगता है कि हम सरकार को बदलने की क्षमता उत्तराखंडी रखते हैं पहाड़ी रखते हैं पहाड़ी तो बहुत कुछ कर सकता है पहाड़ियों के अंदर इतना ताकत उत्तराखंड को पूरा विश्व सबसे बड़ा आंदोलन था उत्तराखंड राज्य आंदोलन। हाँ तो हम कर सकते हैं ना आंदोलन लड़ी गई 42 शहादतों का बाद उत्तराखंड हमने हासिल करी हम कुछ भी कर सकता ताकत भी कर जरूरत अपनी ताकत पहचानने की अपनी ताकत पहचानने की जरूरत है बिल्कुल। आप में से आपसे कुछ पूछना चाहूंगी आप बताइए आप इधर आइए उधर की तरफ लाइट का गड़बड़ हो जाती है आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखता फिर आप कहाँ से हैं अपनी भाषा में बताइए अपने लोगों को बताइए अपना दर्द बताइए कि आपके साथ क्या कर दिया इस सरकार ने बताइए। नमस्कार मैडम। नमस्कार बोल निवास मेरा पौड़ी। हाँ मतलब अरे मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का हमारा घर बिल्कुल बगल पड़ते उधर हाँ, पर देखते नहीं उधर 10-15 किलोमीटर पर हाँ। जो मुख्यमंत्री पर घर नहीं जानो एक साल बैठाई हाँ। कैसे छोड़ा हमारे पास हाँ। आप तो पता चाहिए सभी लोगों को पता चाहिए कि हम ये 3 महीने होगी लगातार हाँ। और मेरा सभी भाई बैठा जी का परेशान हुआ है खाना पैसा नहीं एक टाइम खाणो सीढ़ दिक्कत लेकिन इतना शर्म आने अब हमल स्वाच के चलो आप आदमी चलो भाई मुख्यमंत्री बढ़ गए चाहे कन कभी पढ़ो चाहे वो कहीं दया के से पढ़े लेकिन बढ़ जाए तो इन स्वाच की कुछ अब हम पर विकास हुआ लेकिन बहुत ही मतलब ये शर्मनाक बात और इतने बस इतने एक संदेह दिन चढ़ा चाहो कि मुख्यमंत्री जी अगर आप अगर जरा भी आप दया भावना से बिल्कुल जरा भी बिल्कुल एक बार स्वाचो अथर इन नवा की जो 717 जो हम ये भाई बहन छो क्योंकि इतना पूरी हाई लगे कि आप थे बस आप मतलब अब ज्यादा गलत निकलने को हमारे मुंह से मुख्यमंत्री जी से ये आशुतोष नेगी जी भी जुड़े हैं और कह रहे हैं लगे रहे भाइयों मैं इनका इनको लगे रहो भाइयों इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जागो उत्तराखंड में इन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इनसे मेरी उसके पहले बहुत पहले भी बात हुई थी तब भी इन्हें बड़ा दुख हो रहा था और ये पीड़ा को समझ रहे थे उस वक्त ये पौड़ी में थे ये सचमुच में वहाँ क्योंकि थे तो नहीं आ पा रहे थे इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने पेज पर भी इस खबर को चलाई उस वक्त जब मीडिया नहीं उठा रहे ये भी तो मीडिया से हैं है ना। आप आइए जरा आपसे भी बात करना चाहूँगी इधर लाइट की गड़बड़ थी आपकी शक्ल नहीं दिखाई देगी इधर आ जाइए जी आप कहाँ से हैं अपनी भाषा में अपने अपने क्षेत्रवासियों को बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत आभार कि तुम बार बार हमारे 108 धरना में अवेर हमारे जो बात थी मीडिया और सरकार तो जहाँ जहाँ लोग देख रही थे तो सब हम बार में जान रही कि सरकार हम देखे के करोगे ने तो आज हमारे धरना के 89 दिन हैगी तो हम 3 महीने हैगी पूर्व तो 3 महीने बटी यहाँ हम बहरूँ तो हम कैसी खा रूँ कहाँ रू रूँ वो शायद सरकार का कोई पता नहीं है। तो सरकार है तो मैं यही गुण जानूँ कि हम 90 दिन बटी यहाँ बहरूँ 90 दिन होनी चाहिए हमको बहुत 90 दिन है नहीं हमको तो कुछ तो तुम लोग हम बारे में सोचो तुमको इधु प्रचंड बहुमत हम जीते रहो तुमको 57 विधायक हम उत्तराखंड दे रही तो यही उत्तराखंड तुमको इधु प्रचंड बहुमत दे रहो और तुम मुख्यमंत्री पद पर बैठ जाओ और मुख्यमंत्री पद होने साथ साथ तुम पर स्वास्थ्य विभाग लच तो वही विभाग हमारे अंदर में हम जब काम करूँ तुम्हारा अंदर में आऊँ तो जब तुम स्वास्थ्य विभाग तुम पर है वेर और मुख्यमंत्री तुम है वेर जब हमर ये तो छोट से काम के नहीं कर सकना तो तुम और क्या कर सकते हो उत्तराखंड जी। तो मैं मीडिया माध्यम में यही बताना चाहूँ कि जो टेंडर प्रक्रिया 2008 में शुरू करी गई है और वी रेट
आज 2019 मतलब वी रेट पर टेंडर तुम्हें कैसी दी कम रेट पर टेंडर 11 साल के बाद होता है और कहते हैं नहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ तब भी भाजपा की सरकार अब भी भाजपा की सरकार बिल्कुल। तो 2008 में हम 5000 रुपए हमको मिलती वो टाइम पर तनख्वाह एक महीने की। तो धीरे धीरे हम आगे चलते रहो तो आज 18, 19, 16, 17 ये हिसाब सब लोग छी। तो आज तुम 11 साल बाद फिर टेंडर हुई पर क्या कर 2008 टेंडर फिर दिल छा और वी डब्ल्यू में दिल छा 1,18,000 में तबले छी 2008 में और 1,18,000 में 19 में दिल छा। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी छे सिस्टम में जो तुमको दिखाई नहीं दे रही। तो मुख्यमंत्री जी हूँ हम यही कौन चाहूँ कि भाई जो ये गलती है रे कांबड़ी है शासन स्तर पर हर चे या अफसर साहिब भी हर चे कहाँ पर है स्वास्थ्य विभाग पे तो जो तुम्हारे सचिव है रही तो ये केल जी भैरी जो नीति बना रही पूरे उत्तराखंड जी तो ये के देख पे नीति बना रही कि आखिर यह सेवा में कतु झाड़ी में रोजगार में छी और आज इन बड़ी कतु बेरोजगार हैगी और कतुआ का हम नई नौकरी दे रहा कतु साल 3-4 साल बाद फिर नई टेंडर हो फिर तुम निकाल दे रहा उनका जैसे वो थोड़े से 2-4 हज़ार रुपये फिर बढ़नी तो फिर तुम निकाल दे रहा उनका। तो यो टेंडर पर क्या ऐसी अगर चलता रोली तो हम तो ठेकेदारों हाथों कठपुतली बन जुल। हाँ लेकिन ये तो हमें रोकना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ बताइए आप लोगों से जानना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जब हम निशंक जी से मिलने गए थे तब उसके अगले दिन आपके पास आ गए थे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वाले कौन से वाले वो जो हैं हरीश रावत जी। मुझे ऐसा क्यों लगा आप लोगों को पता नहीं है समझ में आया नहीं ये राजनीति बड़ी गंदी खेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगा आप सभी से जानना चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगा कि ये रावत रावत एंड रावत वाला खेल हो गया रावत वर्सेस रावत नहीं है रावत एंड रावत। जानते हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि निशंक जी को कहीं क्रेडिट ना मिल जाए इसलिए रावत जी को बुला लिया गया था त्रिवेंद्र रावत जी द्वारा। अब मैं एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ आपको डेनिस याद है डेनिस वाली क्या है वो शराब दारू बोल दें उसको दारू बोलना बेटर रहेगा है ना। तो उत्तराखंड देवभूमि में शराब की फैक्ट्री डेनिस शराब के बारे में बड़ी बातें करी गई तब भाजपा ने उसका उसकी खिलावत करी। सोचिएगा मैं आपके आपको दिखा भी रही हूँ इस वक्त अपने फेसबुक पे क्योंकि आपके एक्सप्रेशन देख रही हूँ मैं कि क्या आप सोच रहे हैं इस बारे में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब डेनिस आया तब भाजपा ने खिलाफत करी अब हिलटॉप आया ना आपने देखा हरीश रावत ने हल्की सी उसकी खिलाफत करके वे चुप हो गए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दोनों रावत रावतों में मेरी भगत है क्यों आपको गलत लग रहा है क्या मेरी बात कि कुछ सही लग रहा है कि राजनीति तो ऐसी ही चीज है क्यों है दिवाकर जी बताइए। मैं कह रही हूँ ना आपके आसपास नेता हैं इसलिए मैंने जो बात बोली अब देखती हूँ कि आप क्या समझे। इतना तो राजनीति नहीं समझते ना मैम हम। हाँ पढ़े लिखे लोगों को यही तो मुश्किल है इतनी राजनीति नहीं समझते हम क्या है हम तो खुला देख रहे थे कि रावत जी यहाँ पे आ रहे हैं और वो जो यहाँ पर उपवास में बैठे हैं हमारे बीच में। हाँ। हमने तो सोचा कि ये तो बहुत बड़ी बात है कि इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ गए। हाँ। अब उसके पीछे की कहानी क्या थी कैसी थी हालांकि जब निशंक जी से जो निशंक जी वाली बात करी आपने उस दिन तो निशंक जी वाली बात में ये था कि निशंक जी ने काफ़ी सकारात्मक रूप दिखाया था उस पर। तो अब ये जो आप वो बिल्कुल विशुद्ध राजनीतिक बात हो गई तो उसमें मुझे नहीं लगता कि हमें जाना चाहिए मतलब समझ में भी नहीं आता तो उसमें जाएं कैसे। हाँ, लेकिन याद रखिएगा जो बात मैंने कही है आप सबों को याद करा रही हूँ कल पता चलेगा और ये तभी पता चलेगा जब एक चीज तो निश्चित है मैम। हाँ यहाँ से जाने भाई खाली आपके धरने की बात क्यों करें इस धरने से बाहर की बात कर रहा हूँ यहाँ से जाने के बाद। हाँ इन 90, 100, 150 जितने दिन हम यहाँ पे बैठेंगे जीत हार जो भी होगी उसके बाद हम आत्मचिंतन जरूर करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम का इस पे चिंतन जरूर करेंगे पढ़े लिखे लोग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं हर एक बंदा समझ गया है यहाँ पे कि कैसी राजनीति होती है और कितना गलत हमारे
साथ हो रहा होता था। हम इतने सालों से 11 सालों से शोषण इस कंपनी का झेल रहे थे, हमने एक आवाज़ नहीं उठाई। जब हमको निकाल दिया गया तब जाके हमने आवाज़ उठाई। मानक फॉलो नहीं होते थे, हमको छुट्टी के दिन पे छुट्टी नहीं दी जाती थी, ओटी हम ओवर टाइम कर रहे थे, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए हर डिपार्टमेंट में, अब कंपल्सरी हो गई है, हम फिर भी 12 घंटे की ड्यूटी करते थे। केस के दौरान उन केसों से जूझते, मेडिकल लीगल केसेस से हम जूझते थे, अगर कहीं पर गवाही की ज़रूरत पड़ती तो हमको ले जाया जाता था, कंपनी हमारा साथ नहीं देती थी। और आज की डेट में अगर कोई छोटी सी भी बात हम करते थे तो हम पे सीधे ये धाराएं लगा, लेकिन हम उस टाइम नहीं जानते, लेकिन आज हम लोग हर चीज़ क्लियरली समझ गए हैं कि क्या चीज़ राजनीति हो, कौन हमें सपोर्ट करता है। मैच्योर हो गए आप लोग, बड़े भी बहुत जल्दी हो गए, है ना। बहुत दुख होता है, यही चीज़ मैं आप लोग को देखकर, मुझे दुख क्यों होता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब 1994 में मैं तो मतलब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो आप सोच सकते हैं उस समय जब आंदोलन चल रहा था तो जब हम लोग भी आंदोलन में हिस्सा लेते थे तो अच्छा लगता था, लेकिन वहाँ पे भी हमारे पेरेंट्स जो हैं हर चीज़ में तो जाने नहीं देते थे, खाली जब स्कूलों का जैसे प्रोसेशन निकला तो हम लोग उसमें आ गए, या कहीं पे बैठ के कुछ हुआ तो हमने कर दिया, जब रिटिन में था तो उसमें साइन कर दिया, इतने तक करते थे, उसके आगे हमने भी नहीं सोचा, जैसे आप लोग नहीं सोच पा रहे। 1994 में मैं भी 10वीं में था। हाँ, तो जब हमने लोगों से या बड़े बड़े लोग, हमारे जो भैया लोग थे जो उत्तरकाशी में डिग्री हाँ। कॉलेजों में पढ़ते, तो वो लोग घर पे आए, हाँ। इंटर कॉलेज में आए, उन्होंने बोला यार ऐसी ऐसी बात है, हम उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन चल रहा है, तो हमारे स्कूल में आए, इंटर कॉलेज में आए, तो मैं 10वीं में था उस टाइम। तो हम लोगों को जब उन्होंने समझाया कि यार ऐसा ऐसा जो है, हमारा प्रदेश बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में, हमारे ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है, अगर हमारा राज्य अलग से बनेगा तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो ये भारी मैदानी क्षेत्रों से सारे कर्मचारी यहाँ पे भरे हुए हैं, हम लोगों को जो उत्तराखंड पहाड़ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, तो मैं भी जो हूँ उनके साथ चल पड़ा मैं। तो मतलब मैं सच कह रहा हूँ, मैं 10वीं में था, मैं भी जो है आंदोलन में उनके साथ रहा हूँ। कार्ड नहीं बनवाया ना आपने मेरी तरह, जो ये कार्ड दिखाते हैं, देखा ना आंदोलनकारी, हम आंदोलनकारी हैं, क्या कार्ड दिखा के क्या आंदोलनकारी बनोगे। मैम मेरे पास जो है तब की फोटोएं हैं धरने में बैठने की, अभी भी मेरे पास वो फोटो है मैम धरने में बैठे। अरे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी मेरी फोटो यहाँ हिमाचल टाइम्स अखबार है उसके फ्रंट पेज पे छपी, लोग आके दिखा रहे हैं ये आपकी फोटो है, ठीक है, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि उसे इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि आज पूछा जाएगा तुम कौन हम कौन। लेकिन दुर्भाग्य ये है मैम, क्योंकि हमारा पटवारी क्षेत्र था, हाँ। पे पुलिस क्षेत्र तो था ही नहीं, हाँ। तो ना ही हमारा रिकॉर्ड कोई पुलिस के पास है, हाँ। ना ही पटवारी के पास है, हाँ। जबकि हम लोगों ने कई दिनों तक धरना चलाया, बिल्कुल वहाँ पे फोटोएं, मतलब हमारी फोटोएं भी अभी पड़ी हुई अखबारों की कटिंग पड़ी हुई है कि कौन कौन धरने में बैठे थे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से मैम इस प्रदेश का जो निर्माण किया गया था, इसलिए किया गया था कि यहाँ के लोगों को, हाँ। जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, हम लोग जो यहाँ पे हैं, हम लोगों को रोजगार मिले, हाँ। कहीं ना कहीं हम लोगों को पलायन ना करने पड़े, हाँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है मैम, जहाँ पूर्व मुख्यमंत्रियों ने, जैसे हमारे नारायण दत्त तिवारी जी ने, उन्होंने जो है कंपनियां लाई, यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए, खंडूरी जी ने जो है स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाओं को सुधारने का काम किया, लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल हटके काम कर रही है। देखो जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं, जो हमारा भौगोलिक दृष्टि से विकट क्षेत्र है, हाँ। पहाड़ी क्षेत्र, हाँ। वहाँ पे जो जीवनदायिनी 108 बनी हुई थी स्वास्थ्य क्षेत्र, हाँ। के लिए, उसे आपने जो है उसकी जीवनदायिनी को तो ऐसा कर दिया जो जीवन हरणी बनने वाली है, इसके अभी नतीजे नहीं मिले हैं, नतीजे मिलने वाले हैं मैम, हाँ। 2 महीने में 19 एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, 19 हो गए, हाँ। लेकिन आपको कुछ समय में जो है ऐसा सुनाई देने लग जाएगा कि फलानी एम्बुलेंस में जो अटे या अप्रशिक्षित EMT के कारण फलानी महिला जो है प्रसव होने से मर गई, या कोई दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसे सही उपचार नहीं मिला, वो मर गया, मतलब सही ढंग से वो जीवित अस्पताल नहीं पहुंच पाए, एक बच्चे की मौत भी तो हुई है ना। तो इस प्रकार से मैम ये वैसे ही शिक्षा व्यवस्थाओं का हाल है। अब रोजगार, जो तुमने रोजगार देना था, आप लोग इतने स्वार्थी हो गए, आपको पूरी जनता ने जो डबल इंजन की सरकार दी, 57 विधायक दे दिए, सेंटर में भी जो है आपको पूर्ण बहुमत दिया है, ताकि जो है इस क्षेत्र का विकास हो, उत्तराखंड का विकास हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, लेकिन आप इतने गद्दी में बैठ के इतने निस्वार्थ हो गए हैं, इतने लालची हो गए हैं, इतने बेमान और चोर हो गए हैं कि आप इस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेच बेच के जो है इस उत्तराखंड को बर्बाद करने में लगे हुए हैं मैम। कई विद्यालयों को आपने बंद कर दिया,
कई स्वास्थ्य क्षेत्र के अस्पतालों का पीपी मोड पे दे रो, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? और जिस प्रदेश को देव भूमि के नाम से ग्रंथों में पुराणों में जाना जाता है, पूरे प्रदेश क्या विश्व में जिस प्रदेश की जो है एक देव भूमि के नाम पे छाप है, उस प्रदेश में आप जो है शराब की फैक्ट्रियां खोल के, वो भी कहाँ, देव प्रयाग, देव प्रयाग में, पंच प्रयागों में से एक देव प्रयाग आता है। इस प्रदेश को भी आप जो पर्यटक लोगों के धार्मिक तीर्थ स्थलों पे लोगों से जो रोजगार जो यहाँ के लोगों को आय मिल रही है, जो इनकम हो रहा है, वो भी आप बर्बाद करने में, वो बर्बाद करने में। आपको याद है आप 10वीं में थे तो आपको इतना याद होगा कि उस समय जब उत्तराखंड राज्य बना था तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हमारे जो पुरुष हैं पहाड़ में रहने वाले, वो शराब जो है बहुत पीते थे, इसलिए बहुत नुकसान होता था, महिलाएं काम करती थी, महिलाओं के बलिदानों से इसीलिए तो बना। और इसलिए शराब जैसी चीज को अगर हमारा मुख्यमंत्री ला रहा है और कह रहा है कि इसमें कोई बोलना नहीं चाहिए, किसी को सबको चुप रहना चाहिए, रोजगार मिलेगा, आप क्या कर रहे हैं, रोजगार देंगे और वही लोग उस शराब को पीकर मर के खप जाएंगे। आप सबसे पहले रोजगार किसको देंगे? मुझे तो लगता है कि आप उत्तराखंड वालों को रोजगार नहीं देंगे। अगर तुम्हें रोजगार देना होता तो ये 717 कर्मचारी 108 के जिन्होंने दिन रात मेहनत की, उन्हें आप आज बाहर करते, तो आप ये रोजगार भी उनको मिलेगा जो बाहर से जिनको कंपनियां, आप जिनको ठेकेदारी में कंपनियां दे रहे हैं, जिनसे आप कमीशन खा रहे हैं, वही लोग अपने जो है बाहर से अन्य प्रदेशों से जो है कर्मचारी लाएंगे, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। उत्तराखंड के जो है मुझे नहीं लग रहा कि उत्तराखंड वालों को जो वहाँ पे रोजगार मिलने वाला है। और साथ ही मैम, हम 3 महीनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार में मुख्यमंत्री तो संवेदनहीन हो ही गया है, लेकिन 57 विधायक, हमारे जो 57 विधायक हैं, ये भी संवेदनहीन हो गए हैं। इन लोगों को शायद ये पता नहीं है ये देव भूमि का प्रदेश है, यहाँ के जो हम लोग हैं, हम अपने कर्तव्य निष्ठता से काम करना जानते हैं, ईमानदारी से काम करना जानते हैं, विवेकशील से काम करना जानते हैं, लेकिन आप ये ना समझो कि हम लोग डर रहे हैं। अगर हम अपनी उदंडता में आ गए तो ये उत्तराखंड वीर भूमि से भी जाना जाता है। अगर ये 57 विधायक अगर तुम लोग ये नहीं समझ रहे हैं तो आने वाले समय में आप लोग किसी भी गाँव में घुस नहीं पाओगे। हम लोग जो हैं इस वीर भूमि के प्रदेश हैं, हम सर कटाना जानते हैं लेकिन सर झुकाना नहीं जानते हैं। इसलिए महोदय, मैं आप पक्ष जितने भी सरकार में सारे विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आप लोग अभी भी समझ जाओ, नहीं तो आप लोगों को जो है शहरों में, गांव में, गलियों में आना आपका 2022 में बड़ा दुश्वर हो जाएगा। आप लोग गाँव में नहीं आ सकते हमारे, इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप लोग अपनी संवेदना जगाओ, अभी भी कुछ हल निकालें इसके लिए। ये इधर, हाँ बताइए, पिछले महीने की बात है, मैं बद्रीनाथ जा रखा था, बद्रीनाथ पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ में एक जगह पांडुकेश्वर पड़ती है, वहाँ पे भी 108 एम्बुलेंस चलती है, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि एक एक्सीडेंट हुआ गाड़ी के ऊपर, यात्रा बस के ऊपर एक पत्थर गिरा, पत्थर गिरने के बाद क्या हुआ कि उसमें दो महिलाओं को चोट आई, एक महिला के सर में लगी, एक महिला के मुंह में लगी, उनको प्राथमिक उपचार के लिए वहाँ पांडुकेश्वर हॉस्पिटल में लाया गया। ठीक है, पांडुकेश्वर हॉस्पिटल में लाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ से उनको रिफर किया, महिला सीरियस से उसको रिफर किया गया, 108 को बुलाया गया, तो 4 बजे की बात थी, 3:30-4 बजे की बात, तो उसमें उन्होंने ऐसा चालक रखा है जो 4 बजे दारू पी के, ठीक है, टल्ली हो रखा था, तो ऊपर हॉस्पिटल से आधा किलोमीटर नहीं पड़ता नीचे, वहाँ से नीचे लाते हुए गाड़ी नहीं ले पाया, तब भगवान का शुक्र माना कि पुलिस वालों का ड्राइवर मिल गया। तो ये कब की बात है? ये बात है पिछले महीने की बात है। अच्छा, ये नई कंपनी, ये नई कंपनी है, हाँ, हाँ, कंपनी की, हाँ, कोई पायलट रखा था इन्होंने, हाँ, तो गाड़ी नहीं ले पाया, तो पुलिस वालों के ड्राइवर के माध्यम से उसको मतलब बच्चे तक लाया गया, बचाई लिया गया, मतलब बचाई लिया। वैसे महिला की कंडीशन सीरियस थी, आगे आगे क्या हुआ, महिला तो बहुत कम चांस था महिला के बचने के, लेकिन कुछ टाइम वहीं पे लग गया, ऐसे ऐसे ड्राइवर रखे इन्होंने, हाँ, मतलब ये यही मुश्किल है। चलिए, आप लोगों की बातें सुनी मैंने और बहुत दुख तो हो ही रहा है, पर उम्मीद कर रही हूँ कि सरकार जो है वो जागेगी, चेतेगी, परंतु लग नहीं रहा इस वक्त। आपने देखा, आपने हमारे इन बच्चों को देखा, इनसे इनकी बातें सुनी, अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सही है जो कुछ हो रहा है? क्या इस प्रकार से इस राज्य में होना चाहिए? क्या ये राज्य इसलिए बना? आपने सुनी इनकी बातें, आज शनिवार का दिन है, मगर आप देखिए कि ये
अपने धरने पर बैठे हुए हैं और किस प्रकार से आज धरना स्थल पर हमारे बच्चे हमारी आँख के सामने टूट से रहे हैं। इनमें इनका भी योगदान है। आपने सुना नौटियाल जी की बात कि उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया था जिस आंदोलन से उत्तराखंड राज्य बना था। मैं आपको कुछ और सीन्स भी दिखाऊंगी आज। ये धरना स्थल है जैसा कि आप देख सकते हैं कैसे लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इधर की तरफ कुछ लोग बैठे हैं, इधर ये सब हमारे 108 वाले बच्चे हैं। कुछ लोग इधर दिख रहे हैं। अब आपको दिखा रही हूँ मैं गैरसैंण राजधानी निर्माण आंदोलन। ये आंदोलन यहाँ पे चल रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी जो है वो यहाँ से शिफ्ट करी जाए देहरादून से, क्योंकि देहरादून जो है वो सेंट्रली लोकेटेड नहीं है कि हर क्षेत्र का व्यक्ति वहाँ तक पहुँच सके। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे देहरादून को राजधानी बनाने का नतीजा क्या हो रहा है, कोई किसी की सुन नहीं रहा। और जो हमारे अधिकारी हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, कोई पंजाब से आ रहा है या कोई साउथ से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, उसे क्या फ़र्क पड़ रहा है पहाड़ के बारे में? उसे पहाड़ से कोई मतलब नहीं, पहाड़ की कोई चिंता नहीं। और आप ये समझ लीजिए कि अगर उन्हें पहाड़ से कोई मतलब नहीं तो वे क्यों जाना चाहेंगे वहाँ पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है 300 से ज़्यादा इनके शायद दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। ये चाह रहे हैं कि राजधानी जो है वो गैरसैंण शिफ्ट कर दी जाए, और क्यों ना करी जाए। वहाँ पे अप्रोचेबिलिटी हर क्षेत्र की उत्तराखंड की है, और जो हमारे देहरादून की भी कैरिंग कैपेसिटी है उस पर भी असर हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो अधिकारी आते हैं, जो नेता हैं, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाने में लग जाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात करी है कि वे बेनामी संपत्तियों के लिए एक वो कानून लाने वाले हैं। कौन सा कानून मुख्यमंत्री जी? कानून तो मोदी जी ने भी संशोधन किया कानून जो है उसमें। आपकी सरकार वो भी लेके आई थी एक कानून 2011 में, कुछ नहीं हुआ, कमज़ोर कानून था आपकी सरकार लाई थी। अब आप उसके बारे में बात करेंगे हम नया कानून लाएंगे? क्यों लाएंगे नया कानून? जो कानून है उसे इम्प्लीमेंट तो करिए। इम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि उसमें कमियां क्या है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री है, इनको पहाड़ का दर्द इसलिए नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये पहाड़ के हैं तो सही, पौड़ी के हैं तो सही, पर ये विधायक है डोईवाला से। इसलिए शायद अब ज़रूरत है मुख्यमंत्री जी कि आप एक बार कुछ महीनों के लिए जाकर पौड़ी में रहकर ज़रूर आए, ताकि आप वहाँ पे बैठे हमारे लोगों के दर्द को समझ सके। जो डिमांड हमारे उत्तराखंडवासी कर रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि हमारा जो राज्य है उसमें जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका समाधान वे चाहते हैं आपसे, पर वो समाधान आप दे नहीं पा रहे। शायद इसलिए क्योंकि आप जाकर देखना नहीं चाहते। क्या आपसे ये उम्मीद करी जा सकती है कि हमारी जो राजधानी है वो शिफ्ट करके आप पौड़ी से डोईवाला आए, और डोईवाला से भराड़ी सैन क्यों नहीं चले जाते, वहाँ से अपनी सत्ता को संभालिए। ढाई पौने तीन साल आपकी सत्ता को हो गए हैं, और अब उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप कुछ कॉन्क्रीट करेंगे, कुछ धरातल पे करेंगे, और कम से कम हमारे जो बच्चे हैं, ये 717 बच्चे जो आप देख रहे हैं, जिनको आपने तोड़ने की पूरी कोशिश करी है, आप भूल गए, यही वो उत्तराखंडी है जिनकी वजह से उत्तराखंड बना है। और क्योंकि ये वही उत्तराखंडी है जिनकी वजह से उत्तराखंड बना है, चाहे इनके पूर्वज उसमें शामिल थे, चाहे इनमें से कुछ जने स्वयं शामिल थे जब ये बच्चे थे, लेकिन आप इनके दर्द को नहीं समझ पा रहे, लेकिन इनका आत्मसम्मान है। हमारे उत्तराखंडियों के पास एक ही चीज़ है, हमारी उत्तराखंडियत, हमारा पहाड़ीपना, हमारा आत्मसम्मान। इस आत्मसम्मान के लिए जो करना होगा हम करेंगे, और मैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार क्या कर रही है, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया है, इस दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। इसलिए अब ये समय आ गया है मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों,
देश में जहाँ पे भी आप रहते हैं उत्तराखंड वासियों, परदेश में जहाँ रहते हैं उत्तराखंड वासियों, आपको समझने की आवश्यकता है कि ये राष्ट्रीय पार्टियाँ हमारा कभी भी भला नहीं कर पाई हैं और ना इनकी मंशा है। अगर कभी ये सरकार में दोबारा आते हैं तो हमारा क्या होगा आप समझ सकते हैं। हमारा तीसरा विकल्प उत्तराखंड क्रांति दल अपने वादों पे खरा नहीं उठा उतरा। उनका कहना है उनके पास पैसे नहीं हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, मगर देखिए इतने बड़े आंदोलन को उन्होंने अपने कंधों पे नहीं उठाया, बहुत दुख होता है। इसलिए मेरे प्यारे उत्तराखंड वासियों, मेरे उत्तराखंड के साथियों, आप सभी से निवेदन है कि अब हमें तीसरा विकल्प खड़ा करना पड़ेगा जो बाद में एकमात्र विकल्प रह जाए उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड को अगर उसकी उत्तराखंडियत, उसकी पहचान दिलवानी है तो यहाँ के लोगों को, जो राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से नहीं चलती, जो पहाड़ के हिसाब से चलती है, जो अपने सम्मान के बारे में सोचती है, जो अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, ऐसी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स कितनी गंदी जगह बन चुकी है, इसमें आए तो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती हैं और उन सब चीज़ों से हम लोग सब भागते हैं। परंतु आपको ये बता दूं कि पिछले 6 साल से मैं बहुत मुखर होकर बोलती रही भाजपा के विरुद्ध, जब मोदी जी पहली बार आए उसके पहले से, परंतु अपने उत्तराखंड की मुझे ज़्यादा चिंता है। और मैंने जब ये देखा कि चीज़ें बिल्कुल ही ठीक नहीं हैं, तब पिछले साल से मुझे ये लगा कि मैं सिर्फ इस बात से डर जाऊं कि कौन क्या बोलेगा, प्राइवेट अपनी ज़िंदगी को प्राइवेट रखूं। इस वजह से मैंने ये निश्चय किया कि नहीं, अब वक्त आ गया है कि हम अपने आप को बचाएं, अपने उत्तराखंड को बचाएं और सामने आए और जो कुछ हम कर सकते हैं वो करें। इसलिए अब आपसे विदा लूँगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अधिक से अधिक गांवों में शेयर करिए, कस्बों में शेयर करिए, देश के हर हिस्से में शेयर करिए, और न सिर्फ देश में, विदेशों में भी। जो मेरे उत्तराखंड की बहनें हैं, भाई हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप लोग इसे शेयर करिए और आप भी अपनी बात को रखिए, आप भी मुखर होकर कहिए हमारी सरकार से कि वे हमारे बच्चों की नौकरियां उन्हें वापस दे दे। उत्तराखंड की जनता इनके कृतज्ञ हैं क्योंकि इन्होंने अच्छी सेवाएं दी हैं और हम चाहते हैं कि जो नई कंपनी है उसमें भी इनका समायोजन हो। और हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि उस कंपनी के बारे में उतनी बातें हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो व्यवस्थाएं ठीक होंगी अगर ट्रेंड लोग जो हमारे अपने ये बच्चे हैं इनको उसमें लिया जाए, मगर उनको तनख्वाहें वही दी जाएं जो तनख्वाहें उन्हें मिल रही थी, क्योंकि ये मानवाधिकार के विरुद्ध है। ये इनके आत्मसम्मान को कितना ठेस पहुंचाएगा, इनके परिवारों के हाल सोचिए कैसा लगेगा इनके परिवारों को अगर आपने इनकी नौकरियां इनसे छीन ली और इनको सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि मेरे इन बच्चों की आवाज़ हर जगह गूंजे। आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करूँ कम है, क्योंकि आप लोगों ने जितना सहयोग किया उतना तो उत्तराखंड की सरकार सोच भी नहीं सकती, उसका एक अंश मात्र भी नहीं कर सकती। और हमारी मीडिया जो है, उनमें से कुछ मीडिया के हमारे साथी हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया, उनका धन्यवाद करती हूँ। परंतु बाकी लोगों का क्या कहूँ, कुछ कहने के लिए नहीं रहा है। अब मैं सुजाता पॉल धरना स्थल से आपसे विदा ले रही हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि मेरे बच्चों को न्याय मिल सके और उत्तराखंड को उसकी पहचान। धन्यवाद। नमस्कार।